हरे कृष्णा क्लास टेंथ कैसे हैं आप सभी आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल डा में तो आज हम करने वाले थर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चैप्टर के सर्कल्स के करने वाले सर्कल्स आपको पता है एनसीआरटी में काफी नहीं है एनसीआरटी में सर्कल जरा सा दे रखा भाई निपटा दिए और गिने चुने क्वेश्चन है पर जब भी आप पी वाई की देखना लास्ट के पेपर देखना सर्कल्स में मैक्म क्वेश्चन बाहर से आते हैं भाई थ्योरम उठ के आ गए तो एनसीआरटी से आ गए पर मैक्सिम क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को मिलते हैं अब सर इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो दो ये सुपर थर्टी सोल्यूशन है अगर आप सुपर थर्टी क्वेश्चन करते हो ये खास कलेक्शन कहां से लिया पी वाई क्यू एनसी एग्जाम्पर एनसीआटिशन आर अग्रवाल यहां सबसे जो है तीस क्वेश्चन आप सबके सामने लिया गया है इस चैप्टर के बाकी चैप्टर्स के भी मैंने करा दिया ऑलमोस्ट सारा सिलेबस वन शॉट सभी चैप्टर के मैंने प्रोवाइड कर दिए और हां किसी भी चैप्टर के सुपर थर्टी देखने से पहले मैं आपसे तो करना चाहूंगा कि उस चैप्टर का वन शॉट जरूर देख लेना अगर आप यहां पर सुपर थर्टी देख रहे हो ना अगर डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आए हो तो ना गलत तरीका है आपको पहले सुपर थर्टी से पहले आपको एनसीआर का वन शॉट देखना है ताकि जो है काफी अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए मैंने सारे कॉन्सेप्ट वहां पर अच्छे से बताएं उसके बाद फिर जो है आपको इस चैप्टर को करना चाहिए और अगर आप चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार आप लोग आते हो वीडियो देखते हो मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा ज्यादा मात्रा में परसेंटेज ऐसी है वो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करे हुए हैं तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आपका कुछ नहीं जाता हमारा बहुत भला हो जाता है तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते मेरा नाम है दीपक आप देख लो क्या निगेड़ा लेट गेट स्टार्टेड तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने वन शॉट देखा हुआ है सर्कल चैप्टर को आपको एनसीआर में अच्छे से आता है उसके बाद फिर आप लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हो इज अ सर्कल का मतलब क्या है उसके अंदर एक सर्कल है उसके ऊपर से ट्राइंगल है ठीक है फाइन द लेंथ बी सी हमें बीसी की लंबाई फाइंड आउट करनी है बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन होने वाला है देखो सिंपल सी बात है यहां पर दो ही थ्योरम हमारे पास है क्या थ्योरम है कि रेडियस जो है पॉइंट से सर्कल में दो जा सकते हैं कुछ और तो पढ़ा नहीं है कुछ बातें क्लास नाइन्थ की हैं जो कि मैं साथ साथ जैसे आते जाएंगे मैं बताता चलूंगा तो देखिए सबसे पहले क्या करना है बीसी में पहुंचाना ठीक है अब सुना ध्यान से BC, दो ये पूरी लंबाई ये पूरी लंबाई जो है कितनी है नाइन सेंटीमीटर है ठीक है और एम सी जो है सिक्स सेंटीमीटर है इसका मतलब अगर मैं ए एम की बात करूं बोलो अगर मैं किसकी बात करूं ए एम की बात करूं तो ए एम कितना होगा हमारे पास नाइन माइनस में सिक्स जो कि आपका थ्री सेंटीमीटर होगा जो कि होना भी चाहिए क्यों आपको तो ये पॉइंट ए है एक्सटर्नल पॉइंट है और ए है हमारे पास टेंजेंट है एम टेंजेंट है तो भाई ए एन बी थ्री और एम बी थ्री हमने निकाला दोनों बराबर है ठीक है बात समझा गई बिल्कुल ठीक है ऐसी अगर बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी एन फोर है तो बी एल भी कितना होना चाहिए आपका फोर सेंटीमीटर ही होना चाहिए हम बोलेंगे भाई बी एन बराबर कितना आएगा बी एल निकल के आएगा क्यों मैं सीधा यहां पर थ्योरम टेन पॉइंट टू लिख देता हूं आप लोग पूरा थ्योरम का स्टेटमेंट अगर याद है तो वो भी लिख सकते हो ठीक है इसका नाम हम बोलेंगे बी एल जो है वो फोर सेंटीमीटर निकल के आ चुका ठीक है इसी प्रकार से अगर हमारे पास सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी एल जो है वो सी एम के बराबर होगा सी एल इज इक्वल टू सी एम बराबर होगा ठीक है क्यों अगेन हम क्या लिखेंगे बोलो थ्योरम टेन पॉइंट टू ही लिखेंगे इस तरीके से ठीक है तो हम बोलेंगे एल सी जो है हमारे पास वो सिक्स सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा तो बी एल फोर सेंटीमीटर हो गया और हमारा पास जो है LC सिक्स सेंटीमीटर हो गया हमसे पूछा BC कितना होगा भाई अगर पूरी लंबाई पूछ हमने तोड़ तोड़ के निकाला है तो पूरा BC क्या होना चाहिए बी एल प्लस में LC होना चाहिए बी एल फोर है LC सिक्स है तो फोर प्लस में सिक्स कितना होता है टेन होता है तो टेन सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर निकल के आएगा शुरुआत बहुत ही आसान तरीके से और इस चीज का इस्तेमाल पूरे हम लोग इस तीस क्वेश्चन पे बार बार करेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं और दोनों टेंजेंट की लंबाई क्या होती है बराबर होती है अब साथ में मेरे पास आंसर शीट भी है सो so देट मैं आंसर को चेक करता चल सकूँ कि yes, ये बिल्कुल सही सही है ठीक है तो मैं एक बार आंसर शीट निकालता हूँ उसकी कहाँ पर है जस्ट अ सेकेंड ठीक है उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपको समझ में आया मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया yes no, Next, ये और नो ठीक है चलो टेन बिल्कुल सही है नेक्स्ट चलता है सेकंड क्वेश्चन ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट पी अलम इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर अच्छा जी इसने क्या बोला एक सर्कल है ठीक है, है एक सर्कल है और हमारे पास का सेंटर है एक पॉइंट मैंने लिया है और वो पॉइंट जो है सेंटर से कितना ट्वेंटी सेंटीमीटर दूर है एक पॉइंट है इसका नाम क्या है पी दे रखा है ठीक है और इस पॉइंट पी, पी से सर्कल पे टेंजेंट खींचा जा रहा है

ठीक है और बाकी आप कुछ भी मान सकते हो इसे मान लो मैंने पी मान लिया इसे मैंने बी मान लिया तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर दो साइड दे निकाली तो पाइथागोरस चाचा को याद करना पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे यूजिंग पायथागोरस क्या लिखेंगे यूजिंग पायथागोरस थोरम का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कैसे करेंगे ओप सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर निकल के आती है ओपी कितना है ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर ओ ए हमारे पास निकालना रेडियस है और एपी ट्वेंटी फोर का स्क्वायर है पच्चीस का स्क्वायर छह सौ पच्चीस होता है और चौबीस का स्क्वायर पांच सौ छिहत्तर फाइव सेवन सिक्स होता है ठीक है सिक्स टू फाइव माइनस में फाइव सेवन सिक्स टू आर का स्क्वायर निकल के आ गया और आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस कर कितना फोर्टी नाइन आएगा मेरे ख्याल से तो आर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी नाइन स्क्वायर रूट का मतलब क्या दो में से एक बाहर आएगा फोर्टी नाइन का मतलब क्या होता है सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन तो आपका आर जो है वो सेवन सेंटीमीटर निकल के आएगा और जो कि बिल्कुल सही आंसर होने वाला ठीक है तो हमसे रेडियस पूछा था बिल्कुल सही है सेवन सेंटीमीटर इज द राइट आंसर नेक्स्ट चलते हैं थ्री ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर इन द फिगर ए बी सी डी इज अ साइकिल कॉर्डिनेटर आप यहाँ पर देखो साइकिल कॉर्डिनेटर क्या होता है ये सारी बातें आप क्लास टेंथ पे नहीं बताए गई हैं और ये बताया गया कि भाई ये मान के चल रहे हैं क्लास टेंथ कि आपने क्लास नाइन्थ का सर्कल अच्छे से देखा होगा पर आपने नहीं देखा कोई बात नहीं किस चीज को पीड़ा होनी नहीं चाहिए किसी भी चीज में नहीं रहती पीड़ा अगर आप वीडियो देख रहे हो कहाँ से ज्ञाने कीड़ा से तो इसलिए सारी नाइन चीजें कौन बताएगा मैं बताऊँगा ध्यान सुनना साइक्लिक कॉर्डिलेटर का मतलब क्या होता है साइक्लिक कॉर्डिलेटर का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा कॉर्डिलेटर जो कि सर्कल को चार पॉइंट पर टच कर रहा हो पहली बार तो और उसमें अपोजिट एंगल का सब एक आता है मतलब एंगल ए और प्लस में एंगल सी जो है एंगल ए प्लस में एंगल सी जो है आपका वो 180 डिग्री आएगा और साथ ही साथ हमारे पास एंगल डी और प्लस में एंगल बी जो है वो एक सौ अस्सी मतलब अपोजिट एंगल का समेटर में एक सौ अस्सी होता है उस कॉर्डिलेटर को साइक्लिक साइकिलेटर बोलते हैं ये बात आपको समझ में आ चुके ठीक है हमें बोला बी सी डी निकालना बी सी डी हमें ये वाला एंगल, अब इस वाले एंगल को निकालने के लिए हमें ये पूरा एंगल पता होना चाहिए क्यों भाई दोनों को जोड़ने पर एक सौ अस्सी आता है अगर मुझे पूरा एंगल पता चल जाए काम बन जाएगा अब भाई ये पूरा एंगल निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए क्यों क्यों ये तो पता पचास है अगर ये पता चल जाए उसमें जोड़ के पूरा एंगल ए निकल आएगा तो कैसे करेंगे अब

इस सेगमेंट में सर्कल को टच करते हुए अगर हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं तो दोनों एंगल की लेंथ बराबर होती है 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 कहने का मतलब क्या देखो ये है, ये कॉर्ड 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 इस को लेके एक एंगल बन रहा है कौन सा ये वाला एंगल ये वाला एंगल बन रहा है ठीक है ये ट्राइंगल दिख रहे हो डी सी ए ठीक है और इसी कॉर्ड को लेके डी बी सी ये वाला एंगल ही बन रहा है तो दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं मतलब एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल क्या बोलते हैं एंगल ऑन द सेम सेगमेंट बोलो एंगल ऑन दी सेम सेगमेंट सेम सेगमेंट जो है वो क्या होता है आर इक्वल ये हमारे पास इक्वल होते हैं आर इक्वल बोलो बात समझ में आई या नहीं है, ठीक है इसका हमारे पास क्या है कि सी डी एक कॉड है और उस कॉड को लेके अगर कोई दो ट्राइंगल बन रहे हैं तो दोनों के एंगल जो है ऊपर वाले बराबर होंगे तो ये सिक्सटी डिग्री तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा सिक्सटी हम बोल सकते हैं कि एंगल कौन सा बोलो हम बोलेंगे डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी क्या रीजन दोगे यही वाला ऊपर एंगल ऑन द सेम आर इक्वल इक्वल हमारे पास सिक्सटी डिग्री निकल के आ गया अच्छा ये सिक्सटी आ गया इट मीनस एंगल ए जो है वो आ गया फिफ्टी प्लस में सिक्सटी जो कि आपका आ गया वन वन जीरो डिग्री ठीक है तो कंप्लीट एंगल ए आ गया एक सौ दस और एंगल सी हमें निकालना था बी सी डी तो हम बोलेंगे एंगल ए प्लस में एंगल बी सी डी कितना होता है 180 सौ क्यों क्योंकि साइक्लिक कोर्डिलेटर है क्यों है ये ये हमारे पास साइक्लिक है कुछ भी रटने की नीट नहीं है मैं बता रहा हूं कुछ भी रटने की नीट नहीं है सारी चीज का आपको मतलब पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो एंगल है 110 डिग्री है प्लस में एंगल बी सी डी जो है वो 180 डिग्री निकल के आ गया और एंगल बी सी डी जो है वो आपका 70 डिग्री निकल के आ जाएगा अब पता तो दिक्कत क्या होती है आप लोगों ने सर्कल्स को सिर्फ इतना समझा भी टेंजेंट होता है रेडियस जो है Uh, उसमें टेंजेंट जेड पर होता है और लेंथ ऑफ तो टेंजेंट बराबर होता है एक्सटर्नल पॉइंट से अब क्लास नाइन्थ चीज़ हमें रिवाइज नहीं होती है या हमने पढ़ा नहीं होता थोड़ा मजे में लिया होता है और कोई टीचर्स का जिक्र करता नहीं वो आएंगे बल बोलेंगे एंगल ऑन द सेम सेगेंड आर इक्वल अब हमें पता ही नहीं भाई इसका क्या मतलब होता है साइकिल ऑर्डिनेटर होता है हमें पता ही नहीं है तो यहाँ पर ज्ञानी किटार पढ़ने का एक फायदा होता है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ को रटवाया नहीं जाता मुझे पता ऑलरेडी कि पहले से कि आप क्या पूछने वाले हो आपको चीज़ नहीं पता है अब किस किस बच्चे को पहले से पता था एंगल ऑन द सेम सेग आर इक्वल वैसे मैक्सिमम को पता होगा लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको ये चीज नहीं भी पता होगा इसलिए कर्तव्य मेरा कि सारी बातें आपको बताऊं ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है सुपर थर्टी की हर एक चैप्टर का सुपर थर्टी के बिना एग्जाम हॉल में नहीं बैठना है नेक्स्ट चलते हैं फोर ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर इन फिगर ओ इज द सेंटर ओ हमारे पास सेंटर दे रखा है ठीक है इसमें देखो क्लास नाइन की कितनी चीज लगने वाली है पी क्यू इज द कॉड पी क्यू हमारे पास क्या कॉड है ठीक है एंड टेंजेंट पी आर पी आर एक टेंजेंट है ठीक है एट पी पी पॉइंट पे और ये एंगल देगा पचास पी ओ की हमें ये सेंटर वाला एंगल निकालना है आइए निकालता हैं कैसे निकालना ठीक है ध्यान सुनिए सबसे पहली बात तो अगर मैं ओ पी क्यू की बात करूं अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है मतलब ये मुझे ये वाला एंगल पता होना चाहिए और ये वाला एंगल पता होना चाहिए हाँ या ना भाई किसी ट्राइंगल पे अगर मुझे एक एंगल निकालना है तो बाकी दो एंगल पता होने चाहिए अगर मैं पी ओ की क्यू की बात करूं इन ट्राइंगल पी ओ क्यू की बात करूं मैंने देखा ओ पी क्या रेडियस है ओ क्यू क्या रेडियस है दोनों क्या है हमारे पास रेडिया इक्वल है क्यू इक्वल है रेडिया इक्वल है अब क्लास नाइन्थ में एक थोरम पढ़ा था किसी भी ट्राइंगल पे कोई इसो स्लैस ट्राइंगल होता है ठीक है या बोलो किसी भी ट्राइंगल पर अगर दो साइड बराबर होती है तो उन साइड के अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं तो इस इसके ठीक सामने वाला एंगल पड़ रहा है इसको इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू मैंने क्या मान लिया एक्स डिग्री मान लिया क्या रीजन लिखोगे हम लिखेंगे कि इस एंगल एंगल अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल साइट आर ऑल्सो इक्वल आर ऑल्सो इक्वल यह क्लास नाइन्थ का थियोरम है चैप्टर सेवन का एक चीज और बताऊंगा मेरे को काफी हैवी वाला कोल्ड हो रखा ठीक है तो कल भी मैंने जो वीडियो शूट की थी वो कोल्ड पर ही की थी ठीक है तो इससे थोड़ा नाक ना जाम हो रखा था तो, तो मैं आवाज थोड़ी हिमिल स्टेशन में जैसी हारी होगी दबी दबी सी अभी भी सेम वैसा ही हो रखा है बट ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम टाइम चल रहा है तो वीडियोस को मैं नहीं रोक सकता इसलिए जो है कैसे मेडिसिन लेके मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो हो सकता है गले की आवाज़ थोड़ी सी आपको इसे बारी बारी से लगे बट कॉपरेट करना ठीक है और सम टाइम ऐसा होता है ऐसा पढ़ना पड़ता है क्या करें मेरे को वीडियो देनी है कैसे भी क्योंकि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं मैं लापरवाही नहीं कर सकता और आपको भी वीडियो चाहिए स्टडी प्रिपरेशन करने के लिए तो इसलिए जो है थोड़ा सा कॉपरेट करना ठीक है वैसे इतनी ज़्यादा तो वॉइस अजीब नहीं आ रही वैसे चिल्ला के वैसे कोशिश कर रहा हूं मैं चिल्ला के बोलूँ ठीक है नाक पूरा जाम हो रहा वही होगा भाई दोनों आ गए और फ्रेम निकाल लेंगे अच्छा भाई ओ पी क्या रेडियस है मैंने क्या बोला पी क्या हमारे पास रेडियस है और पी आर क्या टेंजेंट है तो थ्योरम टेन पॉइंट वन क्या कहता है कि रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में ठीक है क्या होता है परपेंडिकुलर हो इसमें टेंजेंट में नब्बे डिग्री का एंगल बनाता है परपेंडिकुलर होता है हमें बोलेंगे ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर इसका मतलब एंगल ओ पी आर जो है वो आपका 90 डिग्री निकल के आ गया तो x क्या आ जाएगा x आ जाएगा 90 डिग्री माइनस में 50 डिग्री तो x जो है हमारे पास वो 40 डिग्री निकल के आ जाएगा अगर x 40 तो हम क्या बोलेंगे इन ट्राइंगल इन ट्राएंगल पी ओ क्यू की बात करेंगे ठीक है तो x प्लस में x प्लस में एंगल पी ओ क्यू जो है आपका 180 आ जाएगा ठीक है x 40 प्लस में 40 हो जाएगा प्लस में एंगल पी ओ क्यू जो है वो 180 आ जाएगा ठीक है तो एंगल पी ओ क्यू कितना आ जाएगा 180 40 40 हो गया 80 तो एंगल पीओ क्यू जो है वो हमारे पास 100 डिग्री निकल के आ जाएगा तो बहुत अच्छी तरीके से आई होप आपको समझ में आ होगा तो यहां पर कॉन्सेप्ट लग रहा है ध्यान रखना क्लास टेंथ की व्यू थ्योरम 10.1 लगा और यहां पर क्लास नाइन्थ का भी थ्योरम लगा थ्योरम 7.2 है शायद है ना जहां पर मतलब सेकेंड एक्सरसाइज का थ्योरम है नेक्स्ट फाइव ईर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर आई होप आप भी इंजॉय कर रहे हो इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ सिक्स डिग्री अगर दो टेंजेंट हमारे पास हैं और वो साठ डिग्री पर इंक्लाइन कर रहे हैं ठीक है ठेके? तो मान लो हमारे पास क्या है दो टेंजेंट है इस तरीके से है ना दो टेंजेंट है ये मान लो ठीक है और दोनों इंक्लाइन कर रहे हैं कितनी डिग्री पर साठ डिग्री पर दोनों इंक्लाइन कर रहे हैं मान लो हमारे पास ये ए है ये बी है और ये पॉइंट मैंने पी मान लिया ठीक है इसका सेंटर जो है मैंने वो ओ मान लिया ठीक है यहाँ तक ये हमारे पास क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ठीक है रेडियस दे रखा है थ्री सेंटीमीटर ठीक है ये हम ऐसे करते हैं ठीक को है कोई यहाँ जोड़ दिया रेडियस जो हमारे पास थ्री सेंटीमीटर दे रखा है ठीक है फाइनल लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट टेंजेंट की लंबाई निकालनी है आइए कहते हैं अब यहाँ पर चैप्टर नाइन का इस्तेमाल हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का जो कि हमने थोड़े देर दिनों पहले किया अभी लास्ट लेक्चर किया ठीक है कैसे सुनना अगर ये पूरा सिक्सटी है

पी अपॉन बी टेन और एंगल कितना है थर्टी तो टेन थर्टी डिग्री बना सिंपल है ओ ए कितना है थ्री और ए पी हम कब साफ नहीं मालूम टेन थर्टी होता है वन अपॉन भी रूट थ्री तो ए पी कितना आ गया ए पी आ गया थ्री रूट थ्री सेंटीमीटर तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना था तो कभी कभी हम सोचते हैं ना कि यार हमने क्लास चैप्टर नंबर टेन है तो केवल हम टेन के थ्योरम को सोच रहे होते तो हैं अच्छा यार कैसे निकालें क्या थ्योरम लगाएं पर ये भूल जाते हैं कि जो हमने पहले पढ़ रखा है उसका भी तो इस्तेमाल हो सकता है ना क्या आपको क्या लगता है पाथोर थ्योरम का इस्तेमाल केवल क्या चैप्टर फाइव uh, में चैप्टर फाइव में कहा है मतलब केवल चैप्टर फोर में चैप्टर टू में थोड़ी है सब में इस्तेमाल होता है पाचवा स्तरों का तो आज स्तरों को कुछ हम नया पढ़ते तो सब में अप्लाई करना सीखो तो हमने पढ़ा है कि भाई कि किसी ट्राइंगल पे एक साइड एक एंगल दे दो तो बाकी सब निकाल देते हैं ये चैप्टर नाइन ने सिखाया है तो नाइन का कॉन्सेप्ट हम क्लास चैप्टर टेन में इस्तेमाल करें तो क्या बुराई है तो आंसर थ्री नोट थ्री बिल्कुल सही है नेक्स्ट चलते हैं सिक्स सीरा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर इफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर फोर एंड फाइव देन फाइनल क्वेश्चन काफी फेमस है और पी वाई क्यू में भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ ठीक है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है ऐसे सर्कल जिनका जो सेंटर है वो कॉमन है ठीक है और एक का रेडियस कितना देखा है हमें फोर है एक का रेडियस फाइव है कह रहा है उस उस टेंजेंट की लंबाई निकालो जो कि एक के लिए कॉड है तो ये हमारे पास क्या बड़े वाले के लिए कॉड है और छोटे वाले के टेंजेंट नाम देते हैं ए बी और इस पॉइंट सी पे ये टच कर रहा ठीक है तो ये जोड़ते हैं अब मैं बात करू इस पॉइंट को ओ नाम देते हैं मैं बात करूं ए ओ क्या है ए ओ बड़े वाले का रेडियस है हाँ है ना बड़े वाले का रेडियस है ठीक है और डी ओ सी क्या है छोटे वाले का रेडियस हमारे पास दे रखा है ठीक है इस तरीके से ठीक है यहां तक और हमें पता है ओ सी क्या रेडियस है और रेडियस टेंजेंट में परपेंडिकुलर होता है ठीक है तो o A कितना बोलो ओ ए हमारे पास फाइव सेंटीमीटर है ओसी कितना है 4 है क्या A C निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं हम बोलेंगे इन कौन सा थ्योरम का हम लोग यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं ठीक है तो हम बोलेंगे ओ ए का स्क्वायर इक्वल एक। टू तो जाएगा ओ सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर ठीक है तो फाइव का स्क्वायर इक्वल टू तो जाएगा फोर का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर तो ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू सिक्सटीन प्लस में ए सी का स्क्वायर ठीक तो है तो ए सी का स्क्वायर कितना आएगा ट्वेंटी फाइव में से सिक्सटीन माइनस कर देंगे तो ए सी का स्क्वायर जो है नाइन आ गया और ए सी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ नाइन जो कि थ्री सेंटीमीटर निकल के आ गया अच्छा ए सी जो है वो थ्री सेंटीमीटर निकल के आ चुका है और सेम काम अगर हम यहाँ पर भी करते बोलो अगर यहाँ पर भी करते भाई ये फाइव होता ठीक है अगर हम यहाँ पर भी सेम काम करते ठीक है सेम काम यहाँ पर भी करते ये आपका फाइव है और ये आपका कितना है फोर है तो ये भी कितना आता थ्री सेंटीमीटर निकल के आता है तो हम बोलेंगे ए भी कितना आ गया वो आ गया ए सी प्लस में बी सी जो कि यहाँ थ्री प्लस थ्री सिक्स सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा बहुत ही आसान है किसी भी चैप्टर का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना तो अच्छे क्वेश्चन करने पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने बड़ा मजा आता है और अगर नहीं है तो दिक्कत का सामना भाई बोरिंग लगने लगती है तो मैथमेटिक्स बोरिंग होना है एक ही कारण है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और कॉन्सेप्ट क्लियर कहां से होंगे भाई ज्ञानी गढ़ के प्लेटफॉर्म में वन शॉट के सारे लेक्चर में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं देखो यहां पर ठीक है और okay, क्या कहते हैं आप, आपको लगता होगा हम बार बार बोल रहे हैं देखो देखो इनको व्यूज़ मिल रहे हैं व्यूज़ मिलने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग उसको देखो क्लास टेंथ में अगर मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ यही एफर्ट अगर मैं अपने ऑफलाइन में लगाता है कोचिंग ओपन करता तो वहाँ पर भी चीज़ें हो जाती पैसा वहाँ भी मिल जाता बट ये ऑनलाइन किस लिए आया जा रहा है ऑनलाइन का मेन मकसद यही है भाई जिस सर, जिस तरीके से मैं स्पेशली अपने जो बच्चों ने क्लासेस है ना टेंथ में इलेवंथ में ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में इतना पैसा नहीं होता और जो यूट्यूब में हमारे पास है लोग तो वो क्या हमारे पास आधा अधूरा ज्ञान दे रखा है यूट्यूब में सब एक सिस्टमेटिक वे में सारा कंटेंट नहीं है तो इसलिए जो है मैंने सिस्टमेटिक वे में एन और एटलीस्ट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट में ये सारा का ये दे रखा है ताकि आप लोग से फायदा उठा सको कोई ऐसा बच्चा ना रहे स्मार्टफोन आजकल सबके पास होता है कोई ऐसा बच्चा ना रहे इसके बाद पढ़ाई की कोई दिक्कत हो ट्यूशन ना जा सके तो आप इन वीडियोज़ को उनको शेयर कर सकते हो या आप खुद पढ़ के भी

ओके पी आर टेंजेंट है इनर सर्कल के लिए पी क्यू दे रेखा मैं फोर सेंटीमीटर ठीक है और ओ क्यू दे रखा मेरे पास थ्री सेंटीमीटर ठीक है ओके okay. और ओर दे रेखा टू सेंटीमीटर हमें बोला गया आर पी आर निकालो देखो पी आर कब निकाल पाएंगे अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ ओ आर पी में बात करूँ तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट तो ये हम एंगल बना रहे हैं ठीक है तो हमें अगर मैं आर पी निकालना चाहता हूँ तो मुझे ओ पी पता होना चाहिए और ओपी में इस ट्राइंगल से निकाल सकता हूं क्योंकि इस ट्राइंगल पे दो साइड पता राइट एंगल ट्राइंगल पे ओपी बड़े आराम से निकल जाएगा पाथागोर से और ओपी निकल जाएगा तो ओपी और ओ आर दे रखा है इस राइटेंगल ट्राइंगल पे तो आर पे निकल जाएगा अगेन पाथागोर से तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें पता होनी चाहिए पहले माइंड पे उसके बाद करो कोई दिक्कत नहीं आती तो हम क्या बोलेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ओ क्यू पी पे काम करेंगे ओ पी का स्क्वायर कितना आएगा ओ क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू पी का स्क्वायर निकल के आएगा ठीक है तो ओ पी का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास ओ क्यू कितना रखा है थ्री का स्क्वायर प्लस में फोर का स्क्वायर तो आ गया नाइन प्लस में सिक्सटीन आ गया ओ पी का स्क्वायर ठीक है तो ओ पी का स्क्वायर जो है वो ट्वेंटी फाइव आ गया और ओ पी जो है वो फाइव सेंटीमीटर निकल के आ जाए कितना आएगा ओपी फाइव सेंटीमीटर निकल के आ चुका है अब हमारे पास ये फाइव सेंटीमीटर आ गया तो हम क्या बोलेंगे इन ट्राइंगल ओ आर पी में लगाएंगे थ्योरम बताओ सबसे बड़ी साइड क्या ओ पी है तो ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू आ गया ओ आर का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर ठीक है इस तरीके से तो 5 का टू टू का प्लस में पी आर का स्क्वायर हमें नहीं पता तो पच्चीस माइनस में चार इक्वल टू पी आर का स्क्वायर आ गया तो पी आर आ कितना आ गया स्क्वायर ट्वेंटी वन निकल के आ गया तो पी आर जो है स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी वन सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा ठीक है ये बाहर नहीं आ सकता तो आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हो पॉइंट में निकालने की नीट बिल्कुल नहीं है नेक्स्ट एट ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ओ क्या है सेंटर दे रखा चीक है ऑफ सर्कल पी एंड पीबीआर आर टेंजेंट हमारा पी ए और पीबी क्या टेंजेंट में दोनों की लंबाई क्या क्या होगी बराबर होगी ठीक है ओके ए क्यू भी निकालना ए क्यू ये हमें निकालना अब ये भी देखो यहाँ पर भी क्लास नाइन्थ का एक थ्योरम का इस्तेमाल किया गया सुनो ध्यान से आ, आप लोगों ने देखो वही बात है कि आपने वन शॉट अच्छे देखा होना चाहिए अगर मैं ये भूल जाऊँ भी केवल आप ए बी पी ये याद रखो फ्रंट फ्रंट वाला तो आपको पता है कि एंगल पी और एंगल ओ दो रेडियस से जो सेंटर पर एंगल बनता है और ज, जो टेंजेंट इनक्लाइंड होते हैं वो एंगल बनाते हैं ये सप्लीमेंट्री होता है हमें पता है एंगल ओ प्लस में एंगल पी कितना होता है सप्लीमेंट्री होता है एक डिग्री होता है ठीक है तो एंगल पी तो पता है पी है फोर्टी है तो हम बोलेंगे एंगल ओ प्लस में पी फोर्टी टू एक सौ अस्सी आ गया तो एंगल ओ कितना आ गया वो आ गया एक सौ अस्सी माइनस में फोर्टी तो एंगल ओ जो है वहाँ पर वन फोर्टी डिग्री निकल के आ जाएगा कितना आ गया ये हमारे पास वन फोर्टी डिग्री निकल के आ जाएगा ये वाला एंगल वन फोर्टी ठीक है आप सुनो ध्यान से दो पॉइंट से दो पॉइंट से या आर्क से बोल लो या इस आर्क से ए भी क्या है, एक आर्क है ये क्या है, एक आर्क है आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो हमेशा डबल होता है उसी आर्क के द्वारा कहीं भी सर्कल को टच करते एंगल बन रहा है देखो ध्यान से अगर मैं इस आर्क की बात करूं ये आर्क सर्कल पे जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है और यही आर्क सर्कल को टच करता हो बना रहा है ये वाला एंगल तो हमेशा जो सेंटर वाला एंगल होता है वो सर्कल वाला एंगल से डबल होता है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास हिस्सा मिटाता तो हूँ मैं ठीक है तो हमारे पास क्या ये 140 डिग्री दे रखा है तो मैं बोलूँगा एंगल ए क्यू बी कितना आएगा हाफ होगा इसका हाफ होगा एंगल ओ का तो होगा हाफ होगा इसका वन का तो कितना आएगा 70 डिग्री निकल के आएगा ये क्लास नाइन्थ पे थ्योरम था उसमें था एंगल सबस्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल आ, डबल ऑफ द एंगल सबस्टेंडेड बाय दैट आर ऑन द सर्कल ठीक है तो ये थ्योरम क्लास नाइन्थ पे थी तो ये पता होना चाहिए था अगर नहीं पता तो फिर क्वेश्चन कैसे कर पाता फिर क्वेश्चन हो ही नहीं पाता तो ध्यान रखना एक आर के द्वारा सेंटर में जो एंगल बनता है वो डबल होता है उसी आर के द्वारा सर्कल को टच करते भी एंगल बन रहा हो तो चेके? तो ठीक है है ए जो डिग्री आगे समझ में आया सबको एंजॉय कर रहे हो क्या सारे कॉन्सेप्ट सर, सर से पढ़ा था एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे थे बट किसी ने ये चीज नहीं बताई थी जो आप रिवाइज करा रहे हो ठीक है तो अगर मजा आ रहा है वीडियो को लाइक करें कमेंट जरूर करना नेक्स्ट नाइन ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर इन द गिवन फिगर इफ ए ओ बी ए ओ बी हमारा 125 डिग्री है देन सी ओ डी सी ओ डी क्या होगा अगर हमें कुछ चीज़ चीज़ें कुछ कुछ रिजल्ट अगर याद हो ना समाइम क्या होता है ना जो क्वेश्चन एन सी आर टी के अंदर है उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा काम आते हैं उसको रिजल्ट को लेकर ना सी बी एस ई बहुत क्वेश्चन बनाती है तो अगर आपको याद होगा ना ये सेट टेन पॉइंट टू के अंदर लास्ट क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट कोई भी कॉर्डिनेटर है जिसके अंदर सर्कल है तो उसके अपोजिट एंगल ना सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं ये प्रूफ था उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया गया मतलब क्या है हमारे पास एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल सी ओ डी जो है ये सप्लीमेंट्री होते हैं मतलब एक सौ अस्सी डिग्री एंगल बना रहे होते हैं अगर ये पता है रिजल्ट याद है तो छुटकियों में क्वेश्चन होगा रिजल्ट याद नहीं है तो भटकते रहेंगे ठीक है चले तो वन वन ट्वेंटी फाइव डिग्री प्लस में एंगल सी ओ डी निकालना है ठीक है तो ये सारे थ्योरम पता होंगे ना तो कितना फटाक से हो जाएगा एंगल सी ओ डी जो है वो वन एटी हो जाएगा ठीक है तो एंगल सी ओ डी आएगा वन एटी माइनस से वन ट्वेंटी फाइव डिग्री तो एंगल सी ओ डी आगे कितना फिफ्टी फाइव डिग्री निकल के आ जाएगा कितना का सी ओडी फिफ्टी फाइव डिग्री निकल के आ जाएगा चेक कर लू नाइन का फिफ्टी फाइव बिल्कुल सही है हमारे पास वन थर्ड का लास्ट क्वेश्चन टेन ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ओके बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है ठीक है तबीयत ख़राब होने के बाद भी पता मैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और ना मज़ा आ रहा हूँ मुझे पढ़ाने पे मुझे नहीं पता क्या वो फील आप लोग कर रहे हो नहीं कर रहे पर इतना मैंने सुना था जिस तरीके से हम समझाने की कोशिश अगर हम दिल से समझाने की कोशिश करते हैं ना तो दिल पे उतरता है ठीक है अब मैं पूरा एनर्जेटिक हो गया अच्छे से इन्जॉय करके मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है तो मैं ये उम्मीद करता हूँ इस लॉ के थ्रू कि आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा तो इसलिए इन्जॉय करो अच्छे से सीखो और शेयर ज़रूर करना और अच्छा लगा लाइक करना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इफ टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन बट टेंजेंट है दोनों की लंबाई बराबर बराबर होनी चाहिए ठीक है ओके ये साठ तिरक है OPQ, OPQ, क्यू ओ पी क्यू ये वाला एंगल कितना होगा हमें निकालना है ये वाला एंगल ओ पी क्यू एंगल कितना होगा हमें निकालना अब वही वाली बात आ जाती है अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो कॉन्सेप्ट समझो सुन सुनो सुनो अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है ठीक है अब मैंने अभी पीछे बताया आपको कि ओ पी क्या है अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू की बात करूं ओ पी क्या है ओ क्यू के बराबर है रेडिया है दोनों अगर दोनों रेडिया ही है इसका मतलब क्या हुआ ये एंगल पी वाला एंगल क्योंकि बराबर होता है ठीक है बोलूंगा एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू आपका कितना आएगा आपका कितना आएगा बताओ ये आपका आएगा बराबर मान लो एक्स मान लिया ये बराबर होते है मेरे पास क्यों बराबर होता है क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड सर सा इक्वलीमेंट थोड़ा आपको पीछे बताया था ठीक है तो ये निकालने के लिए मुझे ये निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कुछ नहीं पता होना चाहिए तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था यार <laughs> मैं तो इसे बहुत डेंजर समझ रहा था ये तो आसान है ठीक है तो मुझे ये वाला एंगल पता या तो ये पता चल जाए ये पता चल बात एक ही है मुझे ओ पी को निकालना तो ये निकालो चाहे ये निकालो बात एक है अब ओ क्यू क्या है ओ क्यू आपका रेडियस है क्यू क्या है रेडियस है तो रेडियस है और क्यूटी क्या है टेंजेंट है तो ओ क्यू तो, तो एंगल ओ क्यू पी आएगा नाइनटी माइनसटी डिग्री तो बोलेंगे एंगल ओ पी जो है वो थर्टी डिग्री निकल के आ जाएगा और ओ पी थर्टी है तो ये भी थर्टी तो हमारे पास जो आंसर कितना गया एंगल ओ पी क्यू जो है वो आपका थर्टी डिग्री निकल के आ जाएगा मुझे लगा था और हैवी क्वेश्चन बनेंगे ठीक है बात समझा गई और अगर सात डिग्री ना देखो ना यहाँ दिया होता सात डिग्री ना तो क्या करते आप ठीक है ये दोनों बराबर होते मैं क्वेश्चन को ये समझ रहा था मान लो ये ना दिया होता तो आप अगर इसके सामने इसको एक्स मानते इसके सामने इसको मानते क्योंकि भाई साइड बराबर है तो पहले एक्स निकालते फिर नाइनटी से माइनस करके से निकालते तो बात एक ही आती तो ओ पी क्यू जो है थर्ड डिग्री तो यहां पर वन थर्ड पार्ट खत्म हो चुका दस क्वेश्चन हमने काफी बढ़िया बड़े क्वेश्चन मस्त मस्त क्वेश्चन हमने खत्म करें हैं ठीक है अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवन ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर इन द गिवन फिगर एपी देर का फोर ठीक है ओके और बी क्यू सिक्स है ए सी नाइन है फाइंड सेमी पैरामीटर ऑफ ए बी सी सेमी सेमी पैरामीटर क्या होता है पैरामीटर का आधा तो हमें बोला गया है क्या होगा देखो पैरामीटर जो है पैरामीटर होता है क्या ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी यह पैरामीटर होता है और मैं बात करूँ सेमी पैरामीटर की सेमी की अगर मैं बात करूं तो इसका हाफ कर दो बस ठीक है तो पैरा का हम लोग हाफ करते हैं तो हमें क्या करना है पहले पैरामीटर को निकालना है और को निकालने के लिए तीनों साइड का पता होना अत्यंत आवश्यक है बालक ठीक है चलिए तो ये पूरा का पूरा नाइन है ठीक है ओके ये चार है इसका मतलब अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट मानू तो एपी जो है ए के बराबर है एपी इज इक्वल टू ए आर जो कि हमारे पास फोर सेंटीमीटर निकल के आ गया ये कितना गया फोर ये पूरा नाइन है इसका मतलब आर सी कितना होगा हम बोलेंगे आर सी आ जाएगा नाइन माइनस फोर इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर ठीक है और अगर इसको मैं एक्शनल पॉइंट मानू आर सी सी क्यू के बराबर है आर सी इज इक्वल टू सी क्यू जो कि आ गया आपका फाइव सेंटीमीटर तो ये आपका फाइव सेंटीमीटर निकल के आ गया ठीक है अच्छा ये सिक्स है तो क्यू बी इज इक्वल टू बी पी इक्वल कितना सिक्स सब रीजन क्या दोगे थ्योरम टेन पॉइंट टू दोगे ठीक है सब में रीजन थ्योरम टेन पॉइंट मैं रीजन लिख नहीं रहा क्योंकि आपको पता है रीजन क्या होने वाला है तो बस मैं यहाँ पर बता रहा हूं ठीक है तो ये सिक्स आ गया तो ये सिक्स तो सेंटीमीटर हो गया तो पता चल गया सब कुछ बताओ पैरामीटर कितना आएगा ये अगर नाइन प्लस छह चार दस प्लस छह पाँच ग्यारह तो आपका कितना आ गया पैरामीटर बोलो बीस हो जाएगा पैरामीटर ठीक है तो बीस का आधा कितना होता है ट्वेंटी पॉइंट पे टू करना है तो यह टेन सेंटीमीटर जो है वो हमारा सेमी पैरामीटर आ चुका चेक करें आंसर बिल्कुल गलत जवाब दे रखा है ठीक है अच्छा थर्टी होगा सॉरी ठीक है गलत तो आएगा ना थर्टी है ये ठीक है थर्टी तो फिफ्टीन जो है सेंटीमीटर हमारा आंसर इसलिए ना आंसर निकालना जरूरी है अब एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी चैप्टर फोर्टीन के ना मैंने क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत मिस्टेक एक दो क्वेश्चन मिस्टेक हो गई थी मेरी और आप लोगों ने बहुत सही पकड़ा है मेरे को देख के लगता है बच्चे वीडियो देखते हैं कमेंट करते हैं, नहीं करते व्यूज़ तो आ जाते हैं पाँच छः हज़ार दस हज़ार तो व्यूज़ आ रहे हैं पर बच्चे कमेंट नहीं करता तो मैंने वहाँ पर देखा दो मैंने मिस्टेक करी आप सब ने उसको कमेंट करा और सौ सौ एक सौ बीस से ऊपर कमेंट उसके अंदर होगा जबकि अभी दस दिन के अंदर वो वीडियो डालती थी मैंने तो ये अच्छा लगा मतलब लगता है कि जहाँ मुझे गलती करना पड़े ऐसा आप कमेंट करोगे नहीं पर मुझे गाली देने के लिए सही पर गलती पकड़ने के लिए तो मुझे क्या अगर कमेंट करोगे ना तो एक आधा क्वेश्चन लगता था ना मुझे कर देना चाहिए यार ये मिस्टेक कर दी मैंने तुम मुझे एटलीस्ट कमेंट तो कर दे तो खुद से कमेंट भी कर दिया करो यार क्यों टीचर को गलत करके फिर दो लोग जो अलग से गालियां देने कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता ठीक है <laughs> इसलिए नेक्स्ट चलते हैं ट्वेल्व के स्क्रीन के ऊपर चलो हाय मस्त क्वेश्चन है देखो जरा मैं पानी पी के अ सर्कल इज ड्रॉन इन साइड अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है तो मान लो एक सर्कल मैंने बना दी पहले ठीक है और इसके उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ तो मान लो कुछ ऐसे ठीक है ऐसे ऐसे, ऐसे।, ऐसे। इस तरीके से ठीक है जो किस इसको टच कर रहा अबे है, अबे भैया सारे क्यों उठ रहे यार ठीक है ठीक है तो एक सर्कल है नामकरण करें कर इसका मान लो मैंने बोल दिया एबीसी ए पी सी यहाँ बस पास के राइट एंगल

करने की कोशिश करते तो मान लो मेरे पास ये सेंटर है ये सेंटर हो गया मान लो सर्कल ठीक है अब क्या है क्या आएगा बोलो रेडियस ये क्या है रेडियस ठीक है आर अच्छा ध्यान सुनो। ये हमारे पास रेडियस है और ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे, तो ये नब्बे हुआ ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये नब्बे हुआ तीन एंगल अगर नब्बे हैं इसका मतलब ये भी क्या हुआ नब्बे हुआ इसको मान लो ओ मान लो मैंने इसको मान लो पी मान लिया पॉइंट को क्यू मान लिया मैंने आर मान लिया ठीक है तो मैं बोलूंगा कि ओ पी बी क्यू एस आर चारों एंगल नब्बे है। या तो सर्कल के सॉरी या तो रेक्टेंगल के होते हैं या स्क्वायर के होते हैं अब अगर ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड से कल होना चाहिए तो ये आर तो ये भी आर होगा या तो या तो चारों साइड इक्वल हो गई तो क्या एक स्क्वायर निकला ये क्या निकला स्क्वायर निकला चारों साइड बराबर होगा ठीक है अब बीपी हमारे पास आर है और पूरा ए है तो पीसी कितना आएगा बताओ तो पी निकल के आएगा हमारे पास वो आएगा ए माइनस में आर ठीक है और पी जो है वो किसके बराबर है आर सी के क्यों लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल इक्वल टू मेरे पास आर सी निकल के आ गया ठीक है बात समझ में आ गई तो ये हमारे पास क्या है ए माइनस आर और ये भी क्या हमारे पास ए माइनस में आर है ठीक है अब ये पूरा बी है और ये आर है तो ए बी ए क्यू कितना होगा बी माइनस आर अगर ये बी माइनस आर है तो ए आर में कितना गया बी माइनस में आर निकल के आ गया सारी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही मेरी बात समझ में आई या नहीं आई मुझे जल्दी बताओ फटाफट से जल्दी बताओ ठीक है अच्छा ए सी ए सी हमें टोटल दे रखा था कितना सी दे रखा है और ए सी वाला कितना है ए आर प्लस में आर सी जो है वो हमें सी के बराबर दे रखा है ए आर हो गया बी माइनस में आर और आर सी हो गया ए माइनस में आर जो कि सी के बराबर आ गया तो B प्लस में A माइनस में 2R जो है वो C के बराबर आ गया ठीक है तो इधर आएगा तो अगर A प्लस में B माइनस में C जो है वो ट्वाइस ऑफ R के बराबर हो गया और हम बोल सकते हैं R कितना आ गया A प्लस बी माइनस सी अपॉइंट पर टू निकल के आ गया और यही हमको प्रूफ करना था तो ये जो मैंने चीज़ बताई है ना बीच में स्क्वायर बनने वाली इसका इस्तेमाल मैं अभी दो तीन क्वेश्चन में आ और करूँगा इसको ध्यान से फिर से पीछे जाके सीखना क्या बोला मैंने भाई ये नब्बे डिग्री था दे रखा था ये नब्बे नब्बे तीनों एंगल नब्बे चौथा भी नब्बे, तो एंगल नब्बे इसका ए आर, आर। था ये आर तो ये, ए ये, पूरा था, ये आर तो ये प्लस तो ए माइनस आर सी के बराबर है क्योंकि वहां से इजिली रिजल्ट निकल के आ गया ठीक है बहुत सिंपल क्वेश्चन था आई होप आपने किया काफी इंपॉर्टेंट भी है नेक्स्ट थर्टीन ये आपके स्क्रीन के ऊपर प्रूफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये आपका थ्योरम टेन पॉइंट वन है क्या है थ्योरम टेन पॉइंट वन है तो थ्योरम जो है मैंने ऑलरेडी एनसीआर में करा रखा और थ्योरम आपके एनसीआर में भी दे रखा है तो थ्योरम और आप सबको थ्योरम आता भी होगा तो ये थ्योरम जो है आपका खुद से क्या है होमवर्क है अगर आपको थ्योरम में कोई दिक्कत आती है तो मैंने चैप्टर नंबर टेन का वन शॉट कराया हुआ है मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और टाइम दे दूंगा कहां से कहां तक वो थ्योरम समझा हुआ है आप जाके वहां से वो थ्योरम देख लेना क्योंकि एनसीआर में जो तरीके से थ्योरम बताया ना वो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा मुझे पक्का पता है तो ये थ्योरम आपने से देखना है वन शॉट के लेक्चर से देखना पड़ेगा नेक्स्ट फोर्टीन ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर

ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है हमेशा 90 डिग्री बनता है एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री हो सकता है गलती से यहां पर नब्बे डिग्री मैंने शो कर दिया हो पर यहां पर कोर्स में नब्बे डिग्री नहीं होता ये पता होना चाहिए कि सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो नब्बे डिग्री का होता है ये याद रखना ठीक है यहां शायद मिस्टेक्स है पीपीटी बनाने वाले ने बना दिया ठीक है चलो तो अगर एक्स निकालना है ये नब्बे तो मुझे ये वाला एंगल पता होना चाहिए ओ ए भी पता होना चाहिए सारा खेल ओ ए बी का है अब हमें क्या पता है ओ ए बी कैसे निकालोगे ये चालीस दे रखा है हमें पता है ओ ए जो है वो रेडियस है और ये टेंजेंट में परपेंडिकुलर होगा ही होगा तो एंगल OAQ जो है वो 90 डिग्री का होगा बोलो हाँ। ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है 90 में 40 माइनस करूँगा, तो ये वाला एंगल निकल के आएगा तो बोलूँगा एंगल OAB कितना आएगा 90 माइनस में 40 डिग्री तो बोलूँगा एंगल OAB जो है वो 50 डिग्री निकल के आ जाएगा बोलो सही है चलो काम बन गया इम्बैक्सिफ इस एंगल को तो ढूंढ रहा था मैं बोलूंगा ए इंट्रो एंगल कौन सा ए सी बी में काम करेंगे हम बोलेंगे एक्स प्लस पे नाइनटी प्लस में कितना फिफ्टी डिग्री इक्वल टू वन एटी हो जाएगा तो नाइन्टी प्लस फिफ्टी वन फोर्टी होता है इज इक्वल टू कितना वन एटी आ गया तो एक्स कितना आ गया वन एटी माइनस वन फोर्टी जो कि एक्स आ गया फोर्टी डिग्री ही निकल के आ जाए कितना आ गया फोर्टी डिग्री आ गया अब यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि पता नहीं बच्चे बोल सकते ये सिलेबस में है या नहीं है मुझे नहीं पता बट आप आज सीख के जाओ कुछ भी जो चीज़ मुझे पता होगा जो मुझे नॉलेज में आएगा बता चलूँ आपकी बहुत हेल्प होने वाला एक थ्योरम का नाम होता है उसे बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कितने बच्चों ने इसका नाम सुना है कमेंट बॉक्स में बताना जा रहा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है बहुत कम बच्चे को इस थ्योरम के बारे में पता हो पता होता है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अल्टरनेट थ्योरम से चुटकियों में हो जाते हैं अब ये थ्योरम कहता है और समझो थ्योरम यह कहता है कोई भी हमारे पास कॉर्ड है कॉर्ड और टेंजेंट मिलके जो एंगल बनता है और उसी कॉर्ड को लेके सर्कल को टच करते हुए जो एंगल बनता है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं क्या क्या दोबारा सुनो कॉर्ड और टेंजेंट में जो एंगल बनता है वो और कॉर्ड को लेके जो भी ट्राइंगल बन रहा है तो और जो एंगल बनता है सामने वाला कॉर्ड के वो दोनों बराबर होता है एक्स जो है डायरेक्ट यहां से आप 40 डिग्री भी लिख सकते थे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम तो भी

काउंट करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन टेन आ गया भाई डायरेक्ट तो गलत हो गया क्या नॉलेज तो है ना उसे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इस्तेमाल हो सकता है बता दिया कि और जो एंगल बनाते हैं उस कॉर्ड जो भी ट्राइंगल बन रहा है तो कॉर्ड के ठीक सामने जो एंगल उस ट्राइंगल के अंदर वो बराबर होता है ठीक है नेक्स्ट फिफ्टीन ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर आर एस अग्रवाल क्वेश्चन है ठीक है इन द गिवन फिगर के एन पी ए ठीक है के एन ये तीनों टेंजेंट है देखो जो ए पी है ना क्या है टेंजेंट है ए पॉइंट पर बी पी टेंजेंट है बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पे के एन भी टेंजेंट है तीनों टेंजेंट है हमें प्रूफ करना है के एन जो है के एन जो है वो ए के प्लस बी एन के बराबर चूकी बहुत ही ज्यादा आसान देखो ध्यान से सिंपल सी बात है अगर मैं के को एक्सटर्नल पॉइंट मानू तो मैं बोल सकता हूं कि ए के इज इक्वल टू के से क्यों हम बोलेंगे थ्योरम टेन पॉइंट क्या बोलेंगे एक क्वेश्चन फर्स्ट मैंने बोल दिया ठीक है दूसरा हमें पता है जो है बी एन जो है वो एनसी के बराबर है सिमिलरली रीजन क्या दोगे अगेन थ्योरम टेन पॉइंट टू यही थ्योरम हम लोग देंगे इस तरीके से ये सेकेंड हो गया दोनों को ऐड कर दो क्या करना ऐड करना है तो ए के प्लस में बी एन इक्वल कितना देगा के सी प्लस में एन सी क्यों ऐड करा यहां पर देखो प्लस का साइन था जोड़ दिया ठीक है तो ए के प्लस में बी एन कितना आ गया के सी प्लस एन सी के सी प्लस एन सी क्या बन गया के एन बन गया तो ये तो बहुत ही नकली क्वेश्चन था ठीक है बट कुछ ये नकली क्वेश्चन काफी काफी बच्चों को नहीं भी आता है तो सारे क्वेश्चन बेसिक के बच्चे भी हमारे यहाँ पर हैं, स्टैंडर्ड के बच्चे भी हमारे यहाँ पर हैं, दोनों है, है, 16, है, है, का ख्याल रखना पड़ता है सरफेस एय एंड वॉल्यूम और एरिया रिलेटेड टू तो सर्कल इनके सुपर थर्टी बच जाएंगे बाकी सब खत्म नेक्स्ट सिक्सटीन ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर इन द गिवन फिगर PQ क्यू इज अड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर पी क्यू कॉर्ड एस का लेंथ कितना है सिक्स सेंटीमीटर दे रखा है ठीक है ओके एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज सिक्स सेंटीमीटर अच्छा ये सिक्स सेंटीमीटर है ये भी सिक्स सेंटीमीटर है और कॉर्ड भी सिक्स सेंटीमीटर अच्छा इक्वी लिटल ट्राइंगल इक्वी ट्राइंगल ठीक है टी पी एन टी क्यूट एजेंट ये बराबर होंगे ठीक है ओके पी टी क्यू ये वाला एंगल हमें निकाला है, देखो बहुत ही आसान है बहुत ही ज़्यादा आसान है ये एंगल निकालने के लिए आपको सिर्फ ये एंगल पता होना चाहिए ये वाला एंगल ठीक है क्यों क्योंकि एंगल ओ प्लस में एंगल टी सप्लीमेंट्री होता है मैंने पीछे भी आपको बताया था कि दो टेंजेंट जो इंक्लाइन हो रहे होते हैं और दो रेडियस uh, सर्कल में जो एंगल बनाते हैं सेंटर पर सॉरी वो सप्लीमेंट्री होते हैं इसका प्रूफ भी मैंने कराया था वन शॉट में और ये NCRT में भी इसका प्रूफ क्वेश्चन दे रखा ठीक है अब ये भला कैसे निकालें क्लियर कट दे दिया हमें बोला गया ओपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू भाई तीनों सिक्स सेंटीमीटर है और किसी भी ट्राइंगल पर तीनों साइड बराबर हो वो एक एकवल ट्राइंगल होता है हम बोल सकते हैं देन ओ पी क्यू एज एन कैस ट्राइंगल है हमारे पास इक्वी लेटरल ट्राइंगल है बोलो हाँ है ना अगर ओ पी क्यू क्यूल ट्राइंगल है इसका मतलब क्या हुआ एंगल ओ कितना आ गया सिक्सटी डिग्री निकल के आ गया एंगल ओ सिक्सटी आ जाएगा तो काम बन गया तो सिक्सटी प्लस में एंगल टी जो है वो ए वन एटी हो जाएगा ठीक है तो एंगल टी को पी टी क्यू भी लिख सकते हो जो क्या आ जाएगा वन एटी माइनस में सिक्सटी तो एंगल पी टी क्यू जो है वो वन ट्वेंटी डिग्री निकल के आ जाएगा और यही हमें निकालना था आंसर चेक करूँ बिल्कुल सही जवाब दे रखा ठीक है हरी नेक्स्ट ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर चलो भाई काफी बढ़िया आर एस का क्वेश्चन है भी इन द गिवन फिगर एडी फाइंड ए डी हमें ए डी निकालना है एक्स मान लो बी ई निकालना है वाई मान लो और सी एफ निकालना है जेड मान लो ठीक है मान सकते हैं ना कोई दिक्कत नहीं ए बी दे रखा बारह सेंटीमीटर ए बी ये पूरा बारह दे रखा है ओके ये पूरा बारह दे रखा है ध्यान सुनना ठीक है और बी सी दे रखा हमारे पास कितना आठ सेंटीमीटर ये दे रखा आठ और ए सी दे रखा दस सेंटीमीटर तीनों साइड दे रखी है कैसे करें आपने कोई दो साइड को फिल करना है मतलब फिल तो पूरा बारह माइनस एक्स आएगा अब बी पॉइंट के एक्सल पॉइंट है बी डी और बी क्या बारह माइनस एक्स तो ये भी बारह माइनस एक्स जो पीछे किया था ये एक्स एक्सल पॉइंट ए डी एफ के बराबर है ठीक है ये एक्स तो ये वी एक्स होगा ये पूरा दस है ये एक्स हो गया ए एफ तो एफ सी आ जाएगा दस माइनस एक्स तो सी एक्सला पॉइंट है तो कितना आएगा कि यह आपका दस माइनस एक्स आएगा जो पीछे हम ट्राइटेंगल टैंगल इस्तेमाल किया था तो आठ दे रखा पूरा इसका मतलब क्या हम बोलेंगे बीसी हमें आठ सेंटीमीटर दे रखा है जो कि बीसी क्या हो जाएगा हमारे पास सीई प्लस में ई बी याद है पीछे इस्तेमाल किया था आठ तो टेन माइनस में एक्स प्लस में ट्वेल्व माइनस में एक्स जो है वह आठ के बराबर हो गया तो बाईस माइनस एट इक्वल टू टू एक्स हो जाएगा बाईस में से आठ गया कितना होता है चौदह फोर्टीन हो गया और एक्स जो है हमें सेवन मिल सेवन सेंटीमीटर मिल गया, गया। एक्स कितना आ गया सेवन सेंटीमीटर आ गया ठीक है एक्स वाई जल के जनरेट थ्रो एक्स बहुत था ठीक है चलो एक्स सेवन आ गया तो ए डी कितना आ गया एडी हमारे पास सेवन सेंटीमीटर आ गया दूसरा निकालता बी ई बी कितना हमारे पास बारह माइनस एक्स है ना तो बारह माइनस एक्स सेवन कितना गया पांच सेंटीमीटर आ गया तीसरा सी एफ निकालना सी एफ कितना हमारे पास टेन माइनस में एक्स टेन माइनस सेवन तो थ्री सेंटीमीटर तो सेवन फाइव और थ्री सेंटीमीटर इज द राइट आंसर चेक करें बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट के के एंगल है वो डबल होता है इस वाले एंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही उम्दा क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपका जो है एनसीआरटी है ना उसके एग्जाम्पल में है एग्जाम्पल भी जरूरी है ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत बार आए आपके एग्जाम में तो बड़े आराम से करेंगे कोई चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है सुनो कैसे करेंगे कैसे सुनो एक काम करो इसे मैं एक्स मान लेता हूं आसान तरीका ये एक्स हो गया ठीक है अब ए पी और बी पी है तो इनके सामने एंगल बराबर मैं बोलूँगा इन ट्राइंगल ए पी बी ठीक है और एंगल ए इज इक्वल टू तो एंगल बी इक्वल टू एक्स क्यू बाई एफ ए पी इक्वल टू बी पी किसी ट्राइंगल पर अगर दो साइड बराबर है तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं बहुत बार बता चुका हूं आपको मैं तो ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स निकल के आ गया ठीक है समझ ध्यान से अब हमें पता है इस ट्राइंगल पे एक्स प्लस में एक्स प्लस में एंगल पी कितना आ गया एक डिग्री आ गया हाँ या ना ठीक है तो टू एक्स आ गया हमारे पास वन माइनस में एंगल पी ये हमारे पास टू एक्स की वैल्यू निकल के आ गई सही है बोलो कोई दिक्कत है कोई दिक्कत की बात नहीं है अब एक चीज और है OA क्या है रेडियस है और ये क्या हमारे पास टेंजेंट है तो OA परपेंडिकुलर किसके ऊपर AP के ऊपर इसका मतलब क्या हुआ हम बोलेंगे OAB और प्लस में x जो है वो 90 डिग्री आएगा हाँ या ना बोलो ये वाला एंगल प्लस में x भाई 90 डिग्री आएगा ना क्योंकि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं तो x निकाल लो यहां से कितना आ गया 90 माइनस में एंगल ओ ए बी निकल के आ गया अभी जो एक्स की वैल्यू है ना वो आप यहाँ पुट कर सकते हो तो कितना सिंपल हो गया पुट कर दो तो टू इंटूटी माइनस में एंगल ओ ए बी अब इससे आसान तरीका क्या होगा इससे आसान तरीका क्या हो सकता होता पताने का नहीं हो सकता ठीक है तो वन एटी माइनस में ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू वन एटी पी को पूरा लिख दू मैं एंगल ए पी भी कोई दिक्कत तो नहीं बेटा ठीक है इससे खत्म हो गया माइनस माइनस खत्म हो गया तो बोलेंगे एंगल ए पी बी इक्वल टू आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी तो बताओ इससे आसान तरीका क्या मिल सकता है आपको बोलो नहीं मिल सकता बहुत ही आसान तरीके से जो है मैंने आप सभी को इसका आंसर बताया ठीक है तो आप इस तरीके से एक्स मान के भी कर सकते हो बस यहाँ पर लिख देना कि आपने एक्स फिक्स का माना है अगर आप एंगल पूरा लिखोगे दे तो लेंदी कन्फ्यूजिंग बोरिंग हो जाता है बट एक्स वाइज मानने से बहुत ईजी हो जाता है नेक्स्ट नाइनटीन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ओके okay, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ओ पी इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्कल ओके ओ पी जो है ओ पी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल अच्छा चलो मान लेते हैं ठीक है ठीक है प्रूफ दैट ए बी पी ए बी पी ये एक इक्विल ट्राइंग है मतलब क्या प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू बी पी ये तीनों बराबर होने चाहिए या एंगल साठ डिग्री ये हमें प्रूफ करना है अच्छा जी आइए ये बड़ा विचित्र क्वेश्चन है यार चलो सोचते हैं कैसे करें सारा खेल इसी का है ओपी जो ओपिज जो है ना वो इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल सेंटर ठीक है चेक करते हैं कैसे करेंगे कैसे आ मिल गया 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 यस 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 <laughs> सोचने वाली बात है मान लो OA को मैंने r मान लिया क्या मान लिया मैंने r मान लिया ठीक है और OP के डायमीटर है भाई 2r के बराबर होगा रेडियस का डबल डायमीटर होता है ठीक है ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो है मैं एंगल से प्रूफ करूंगा और इस वाले एंगल को मान मैं लो मैंने थीटा मैंने मान लिया क्या मान लिया थीटा वाह क्या मस्त चीज़ मुझे मिली है मजा आ गया ठीक है थीटा मैंने मान लिया अब सुनना ध्यान से मेरी बात करो ठीक है मैं बात करूँ इन ट्राइंगल ओ ए पी पे मैंने बोल दिया लेट लेट रेडियस जो है वो मैंने आर मान लिया ठीक है और ओ पी इक्वल टू तो डायमीटर है ठीक है डाया है जो कि मैंने क्या बोल दिया टू आर बोल दिया ठीक है और लेट मैंने बोल दिया एंगल ओ पी इक्वल ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी तभी तो मार्क्स मिलेंगे पूरे पूरे ठीक है चलो अब ये अगर ये एंगल है तो ये बेस हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया ये हाइपोटेनस हो गया ठीक है मुझे क्या पता है बे पी पता और एच पता तो मैंने बोला ओ ए अपॉन पे ओ पी पी अपॉन एच क्या होता है साइन थीटा हो गया ठीक है अब ओ ए कितना आर और ओ पी कितना है टू आर इक्वल हो गया साइन थीटा तो वन अपॉइंट टू इक्वल टू साइन ठीटा साइन ठीटा वन पॉइंट टू आ गया साइन ठीटा पॉइंट टू कब होता है वो होता है आपका साइन थर्टी डिग्री पर इसका मतलब थीटा जो है आपका कितना आ गया थर्टी डिग्री निकल अरे ये क्या कर दिया मैंने तो हमारे पास लिखिए साइन थीटा इक्वल टू वन पॉइंट टू आ गया और वन अपॉइंट टू कब होता है साइन थर्टी डिग्री पर कंपेयर करेंगे तो थीटा जो है आपका थर्टी डिग्री निकल के आ जाए कोई दिक्कत कोई तो दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है ठीक है कितना आ गया थर्टी डिग्री अब मैं सब मिटा रहा हूँ ठीक है सब मिटा रहा मिटारो मैं इसको ये अटाइट है तो ये वाला जो एंगल है मेरे पास थर्टी डिग्री निकल के आ गया ये एंगल थर्टी है तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा तो थर्टी तो ये पूरा एंगल कितना हो गया एंगल पी आपका सिक्सटी डिग्री का निकल के आ गया ठीक है तब बोलेंगे एंगल जो पी है वो कितना आ गया थर्टी प्लस में थर्टी तो एंगल पी जो है आपका वो सिक्सटी डिग्री निकल के आ जाएगा ठीक है अब ए पी क्या है टेंजेंट बी पी क्या है टेंजेंट तो हम बोलेंगे एस इन ट्राइंगल ए बी पी ए पी जो है किसके बराबर है बी पी के बराबर क्यों बाय थ्योरम 10.2, पॉइंट टू थ्योरम थ्योरम टेन हमारे पास ये निकल के आएगा ठीक है ये इसके बराबर है इसका मतलब इसके सामने अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी आपका एक्स होगा तो हम बोलेंगे एंगल ए एंगल बी इक्वल टू एक्स निकल के आ गया ठीक है अब तीनों को जोड़ने पर हम बोलेंगे एक्स प्लस में एक्स प्लस में सिक्सटी आपका वन एटी आ जाएगा तो यहाँ से अगर टू एक्स इक्वल टू वन ट्वेंटी आ गया और एक्स आपका सिक्सटी आ गया इसका मतलब क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग साफ बोल सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल पी बराबर ए सिक्स डिग्री और किसी भी राइट एंगल किसी भी ट्राइंगल पे सॉरी अगर तीनों एंगल सात डिग्री हो तो क्या बोलते हैं वो इक्वी लेट्रा होता हम बोलेंगे हैंस कि ए पी बी एस एन इक्वी लेट्रल ट्राइंगल मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन करके ना सच में मजा आ गया हो कि सर वाक क्या कॉन्सर्ट बताया क्या आसान करके सारी चीज़ों को धीरे धीरे बता रहे हो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस सीरीज को नेक्स्ट ट्वेंटी ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ठीक है ओके okay. मैंने कहा था ना अभी लास्ट में इस्तेमाल करूंगा सेम वैसे क्वेश्चन आ गया ए इन गया फिगर फाइंड पी सी हमें पी सी निकालना पी सी ये एक्स मान ये हमें निकालना ठीक है ए बी दे रखा है हमें कितना है टोटल थर्टीन ये पूरा थर्टीन दे रखा है और बी सी बी सी पूरा हमें सेवन सेंटीमीटर दे रखा है ठीक है और ए डी ए डी पूरा फिफ्टीन सेंटीमीटर दे रखा है ओके ध्यान सुना कैसे करेंगे मुझे अब इस पर आना है ठीक है और सी पी जो है ना एस सी के बराबर होगा तो मुझे एस सी निकालना कैसे भी आइए धीरे धीरे पहुँचते हैं अच्छा इस पर ध्यान दो ये रेडियस है ये टेंजेंट नाइन्टी हो गया ये रेडियस ये टेंजेंट नाइन्टी हो गया और ये नाइन्टी देर का राइट एगल ट्रेंगल है तो ये जब हमारे पास क्या है ये तीनों नाइन्टी तो ये भी नाइन्टी हो गया तो चारों नाइन्टी बनने से स्क्वायर बन जाता तो हम बोलेंगे कि पी ओ क्यू डी इज आ क्या बन गया ये आपका एक स्क्वायर बन गया इसका मतलब बोलेंगे सब साइन क्या हो गया फोर 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 आ गया ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि क्यू डी इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर इतना क्लियर है अगर क्यू डी फोर है तो ए क्यू कितना होगा

बी आर इक्वल टू बी एस इक्वल टू टू सेंटीमीटर ठीक है और बी एस अगर टू है तो एस सी पूरा सात है बी सी एस सी सात में से दो गया तो एस सी याद आएगा सेवन माइनस भी टू सेंटीमीटर जो कि आ गया एस सी कितना फाइव सेंटीमीटर और एस सी जो है वो सी पी के बराबर है ठीक है जो कि एक्स है वो आ गया आपका फाइव सेंटीमीटर तो इस तरीके से लिंक्ड बनते चलता ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं आसान होते, होते है दिखने में बस मुश्किल होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं घबराना तो यहां पर हमने क्या करा अपॉन थर्ड पार्ट खत्म कर ले केवल क्वेश्चन हमारे रह गए हैं उसके बाद आपने दस तीस क्वेश्चन अब देखो ऐसे जो क्वेश्चन है क्या आपने एनसीआर में देखा थे ऐसे क्वेश्चन मैं वादे सर कह सकता हूँ आपने एनसीआर के साथ नहीं एनसीआर में नहीं देखा होगा ऐसे क्वेश्चन आपको बाहर से करने पड़ते हैं अब आर एस अग्रवाल इतनी मोटी है सैंपल इतने दुनिया भर के पब्लिकेशन है अब भाई किसका करें ठीक है चलो और हाँ एक चीज और आप लोग कह रहे थे कि सर इसके बाद कौन सी सीरीज कराओगे और हमें कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए क्या ये डाउट है आपके अंदर भी कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है अगर आपको भी सेम डाउट है ना मुझे कमेंट करना जैसे ही सौ कमेंट होते हैं मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको बेस्ट बुक कौन सी लेनी चाहिए और किस बुक को मैं आप कराने वाला हूं ये मैं आपको बता दूंगा और एक क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिए सारी बातें आपको बता दूंगा उस वीडियो में बस आपको सौ कमेंट करवाने हैं तो आई होप सौ कमेंट आप जल्दी से करवा दोगे तो जो पोर्टली है खजाने की वो खुल के आपके सामने आ जाएगी नेक्स्ट ट्वेंटी वन क्या कह रहा है तो सेम ये वैसा ही क्वेश्चन है तो ये मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा ये आपने खुद से करना है ठीक है और करके कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना होगा ठीक है तो वैसे ये पाँच है ये पूरा तेईस है तो ये पाँच आएगा तेईस में तो, पाँच, से तो, पाँच, से तो पाँच गया अट्ठारह और ये अट्ठारह तो ये अट्ठारह ये आपको ग्यारह निकल के आएगा ये ग्यारह तो ये राइट ये पूरा कहता है हमारा स्क्वायर है ग्यारह 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 तो रेडियस कितना आएगा मैंने बता ही दिया यार ठीक है पर इसको अच्छे से करके आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या कर पाए या नहीं कर पाए नेक्स्ट ट्वेंटी टू आप सभी के स्क्रीन के ऊपर अभी क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है मैंने कहा था ना समाइम हमें एनसीआरटी के प्रूफ का रिजल्ट याद रखने से भी काफी बड़े काम हमारा बन जाता है ठीक है अब जो क्वेश्चन एनसीआरटी में इंपॉर्टेंट है वो तो है ही लेकिन उसके अलावा एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि एनसीआरटी इंपॉर्टेंट नहीं अब आपके लिए ठीक है चलो हमें ए डी निकालना है सुनना ध्यान से ए बी दे रेखा हमारे पास कितना है सिक्स सेंटीमीटर और बी सी कितना दे रखा है हमारे पास नाइन सेंटीमीटर है और सी डी कितना दे रखा हमारे पास एट सेंटीमीटर है हमें ये निकालना है ठीक है तो अगर आपको रिजल्ट याद हो ना क्या है अगर किसी भी कोई भी किसी भी कोर्डिलेटर अगर एक सर्कल के ऊपर है ठीक है तो उसके अपोजिट साइड का सम बराबर होता है मतलब क्या ए बी प्लस में सी डी इज इक्वल टू होता है बी सी प्लस में ए डी ये रिजल्ट आपको याद है या नहीं है ठीक है अगर ये एक दो मार्क्स में, तो में, में आता है तो डायरेक्ट रिजल्ट करोगे अगर बड़े मार्क्स में आता है तीन से पांच में आता है पांच में खैर नहीं आएगा तो आपको पूरा करना पड़ेगा चलो पूरा ही करवाया ठीक है मान तो लो तो ये पी है ठीक है यह क्यू है और ये आर है हे भगवान और ये एस है ठीक है मैं बोलूंगा ए पी इज इक्वल टू बी पी रीजन वही सुन से ए पी इक्वल टू ए एस थियोरम टेन पॉइंट वन पहले क्वेश्चन ठीक है टेन पॉइंट टू सॉरी बीपी इक्वल टू बी क्यू दूसरी क्वेश्चन आर सी इक्वल टू सी क्यू तीसरी क्वेश्चन डी आर इक्वल टू एस डी चौथी क्वेश्चन सब में रीजन क्या दोगे थ्योरम टेन पॉइंट टू सबको ऐड करोगे एडिंग एडिंग फर्स्ट टू फोर्थ तो मैं ये मिलेगा ऐड करने पे, ए पी प्लस बीपी ए बी मिल गया प्लस सी डी सी आर प्लस डी आर सी डी मिल गया अपोजिट साइड्स आ गई बराबर ठीक है ऐसी ए एस और एस डी आपको ए डी मिल जाएगा और प्लस बी सी मिल जाएगा तो अपोजिट साइड का सम ना बराबर निकल के आता है ये आपको ध्यान में रखना ठीक है समझ में आ गई इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कर देंगे फटाफट से चलो बताओ ए बी कितना दिया था हम लोग को ए बी सिक्स सेंटीमीटर रहेगा ना और प्लस में सी डी कितना है एट सेंटीमीटर है ए डी कितना हमको नहीं पता और बी सी कितना नाइन सेंटीमीटर है तो आठ और छोर्टीन माइनस पे नाइन इक्वल टू ए डी तो ए डी जो है सेंटीमीटर कितना आ गया सेंटीमीटर तो अगर ये मार्क्स में आता ना तो रिजल्ट याद होना चाहिए तो रिजल्ट अगर याद नहीं था याद कर लो कि किसी भी सर मतलब किसी भी एक कोऑर्डिनेटर है और चार पॉइंट में सर्कल टच करता अंदर एक सर्कल है तो अपोजिट साइड का सम बराबर होता है ट्वेंटी थ्री आप सभी के स्क्रीन के ऊपर प्रूफ दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री जो मैं बात नहीं कर रहा था कि दो टेंजेंट सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं ठीक है तो उसको प्रूफ करने के लिए बोला गया है तो इसका प्रूफ बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा आसान है तो आइए फटाफट से मिनटों में इसका प्रूफ हम लोग जल्दी से कर लेते हैं ठीक है चलो तो ये मान लो हमारे पास सेंटर है इस तरह से ठीक है तो हमारे पास हो जाएगा ये ओ ए पी और इस पांडम पी बोल ठीक है चलो हमें क्या प्रूफ करना वी हैव टू प्रूफ टू प्रूफ कि एंगल ओ प्लस में एंगल पी जो है वो वन है सप्लीमेंट्री है ठीक है तो ये ओ ए क्या है ओ इक्वल टू रेडियस है ठीक है तो ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए पी ठीक है क्यों थ्योरम टेन पॉइंट वन सिमिलरली ओ बीज परपेंडिकुलर ऑन किसका बी पी अगेन थ्योरम टेन पॉइंट वन इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू नाइन्टी डिग्री नब्बे डिग्री आएंगे ठीक है ओके तो हम बोलेंगे एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी कितना आ गया तीन सौ साठ ए और बी तो एक सौ अस्सी हो गए ठीक है तो एंगल ओ प्लस में एंगल पी तीन सौ साठ में से एक सौ अस्सी जाएंगे ठीक है तो एंगल ओ प्लस में एंगल पी आ गया एक सौ अस्सी डिग्री पता किसी एक, एक टाइम ना ऐसा भी हुआ था मैंने एक बच्चे को बोला कि ना तुझे क्वेश्चन आता एक बच्चे ने मतलब एग्जाम में क्वेश्चन देखा है ठीक है छोड़ के आ गए इस क्वेश्चन को ठीक है कैसे समझ नहीं आया क्वेश्चन कहाँ से है बाहर से है, क्या नहीं आया है मुझे समझ नहीं आया मैं उसको बोला चाहिए प्रूफ कर सकता क्या कि एंगल ओ एंगल पी एक सौ अस्सी है कैसे तो आता है सर कैसे सर ये भी नब्बे नब्बे करके बता दिया मैंने कहा भाई गधे वही तो क्वेश्चन था ये तो सम टाइम ना हिंदी समझ में नहीं आती थोड़ा बताने वाला हो ना तो समझ में आता तो रीड करके देखो प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट दो टेंजेंट के बीच में एंगल ठीक है ए सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबस्टेंट बाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो लाइन जोड़ती है वो कौन सी रेडियस होती है वो एंगल क्या है एंगल ओ है तो so एंगल और एंगल पी क्या है सप्लीमेंट्री है तो so ये हिंदी बता दिया होता तो उससे आ जाते पूरे मार्क्स तो समटाइम ऐसा भी होता है तो so आप प्लीज ध्यान रखना क्वेश्चन को प्रॉपर समझ के करा करो नेक्स्ट ट्वेंटी फोर क्या कह रहे हैं इन द गिवन फिगर सर्कल एंडल सेंटर ओ आर इज अ पॉइंट ऑन सर्कल ठीक है ए बी इज टेंजेंट एट आर प्रूव ए आर एक्स ए प्लस ए आर इक्वल टू एक्स बी प्लस में बी आर ओके चलो सुनो 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 हमें इतना पता है एक्स के एक्सल पॉइंट रखा है और XP टेंजेंट है और एक्स क्यू टेंजेंट है तो हम बोल सकते हैं कि XP इक्वल टू एक्स क्यू क्यू थम टेन पॉइंट दो तो में यार क्या है इससे अपना कुछ नहीं है बच्चे बचपन क्यों डरते हैं सर्कल से अभी तक कुछ भी मुश्किल लगा है नहीं लगा होगा अच्छा पी कैसे आएगा पी ए प्लस में एक्स पी और एक्सपी एक्स क्यू मैंने दोनों बना एक्स क्यू है दोनों सेम से <laughs> ठीक है ओके अब एक्स क्यू कैसे आएगा क्यू बी प्लस बी एक्स है। 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 अच्छा अगर ए एक्स पॉइंट है तो क्या AP एक AR के बराबर है तो जहां पर AP वहां पर क्या लिख दूं मैं AR तो AR प्लस में A x लिख दिया x A AR प्लस में अबे भाई <laughs> मल्टीप्लिकेशन का बनता है AR प्लस में x A बन गया इक्वल टू ठीक है जहां पर हमारे पास Q भी है ये एक्स्ट्रा पॉइंट है BR लिख सकता हूं मैं तो BR प्लस में B x x B बोलो बात देखिए तो बड़ा नकली सा क्वेश्चन था यार हो क्या हो गया हो हैंक्स्ट ट्वेंटी फाइव ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर इन द गिवन फिगर फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी का पैरामीटर मीटर निकालना अगर ए पी जो है वो बारह सेंटीमीटर दे रखा है तो हमें ए बी सी का पैरामीटर फाइंड करना है तो पैरामीटर का तो क्या होता होता पैरा मीटर ऑफ ए बी सी का मतलब यह हुआ कि ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी ये तीनों साइड को जोड़ के निकालना तो हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए आइए देखते हैं एपी दे रखा बारह सेंटीमीटर कितना बारह ठीक है अच्छा बीपी को मैंने एक्स मान रहा हूं अगर ये एक्स है तो तुम्हारा ये भी एक्स निकल के आएगा ठीक है और सी को मैंने वाई मान लिया ये भी वाई निकल के आएगा आए ना हमें पता है अच्छा एक बात बताओ एपी कैसे करे एपी जो है सोच दो सोच दो ए पी जो है ए क्यू के बराबर है ठीक है दोनों बराबर है ठीक है मैं पूछूं आपसे ए पी प्लस ए क्यू कितना होगा? होगा आप बोलोगे सर बारह प्लस बारह चौबीस होगा अब ए पी क्या है ए पी है हमारे पास ए बी प्लस में बी पी अब रास्ता मिल गया मुझे ए क्यू क्या है ए सी प्लस सी क्यू ये हमारा ट्वेंटी फोर दे रखा है ए बी भाई हमें चाहिए था ना बीपी हमें नीचे बीपी नीचे हमें तो बी एक्शन पॉइंट है बी डी के बराबर है हम लिख सकते बीपी इक्वल टू क्या है बी डी है क्यों थ्योरम टेन पॉइंट टू ठीक है तो जहां बीपी है वहां पर हम लोग क्या लिख दिया बी डी कर दिया ठीक है प्लस में ए सी ए सी तो हमें चाहिए छेड़खानी नहीं करनी सी क्यू सी क्यू के बदले ट्राइंगल के बाहर का पटा हमें ट्राइंगल के अंदर का चाहिए सीगुलर सीड लिख सकते हैं तो सी क्यू इक्वल टू सी डी क्यों अगेन थ्योरम टेन पॉइंट टू तो मैंने यहाँ पर सीड लिख देखो ट्वेंटी फोर आ गया ठीक है अब ए बी ठीक है अब ना बी डी प्लस सी डी क्या बन रहा है बी डी प्लस सी डी बन गया बी सी प्लस में बी सी और प्लस में ए सी ये ट्वेंटी फोर आया अच्छा में तो पैरामीटर निकालना था अरे पैरामीटर आ तो हो गया तो पैरामीटर कितना आ गया तो पैरे जो है वो हमारे पास ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर निकल के आ गया अगर आपको ना और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो मैंने ना लास्ट ईयर मस्ट डू फिफ्टी सीरीज बनाई थी ने पचास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे तो वहां पर और क्वेश्चन की आपको वेरायटी मिल जाएगी तो वहां से भी क्वेश्चन देख सकते हो नेक्स्ट ट्वेंटी आप सभी के स्क्रीन के ऊपर प्रूफ दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर आर ये एमसीआर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान लो कोई डायमीटर दे रखा है उसके एंड पॉइंट में अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो प्रूफ करना कि पैरल है तो ये ए बी मान लो ये सी डी मान लेते हैं हमें प्रूफ करना है वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज पैरल टू सी डी कैसे करेंगे आइए देखते मान लो इसका सेंटर है ओ है। अच्छा और ये आर ए बी सी डी ई मान लो एफ मान लो ठीक है हमें पता है ओ ई e के है रेडियस है तो ओ ई e, परपेंडिकुलर होगा ए बी के क्यों बाय थ्योरम टेन पॉइंट वन थ्योरम टेन पॉइंट वन इसका मतलब एंगल ओ ई बी जो है वो नब्बे डिग्री का आएगा इक्वेशन फर्स्ट मान लो ठीक है सिमिलरली ओ एफ जो है परपेंडिकुलर इसके ऊपर सी डी के ऊपर तो क्यों अगेन थ्योरम टेन पॉइंट वन ठीक है ओके तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ओ एफ सी इक्वल टू नाइनटी डिग्री ये क्या हो जाएगा नब्बे ये भी क्या हो जाएगा नब्बे दे रखा है ये क्वेश्चन टू आ गए मैं बोलूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट ये भी नब्बे वो भी नब्बे है इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ओ ई बी एंगल ओ ई बी जो है बराबर आ गया ओ एफ सी के एंगल ओ एफ सी अब ये क्या था ना ऑल्टरनेट एंगल थे क्या था ये ऑल्टरनेट एंगल अगर हमारे पास कोई दो ऐसे लाइन जा रहे हैं पैरल होते हैं तो हम बोलते हैं ना जेड बनता तो इक्वल होता है ऑल्टरनेट एंगल है इसका उल्टा होता है अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो साइड्स पैरल होंगी और अगर पैरल है तो ऑल्टरनेट इक्वल एंगल बराबर होंगे तो हम बोलेंगे यहां पर क्या ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन ए बी इज पैरल टू सी डी बस इतना हमें करना होता है नीट एंड क्लीन ज्यादा भरना नहीं है उतनी बातें लिखो जो कि एग्जैक्ट है टू द पॉइंट है एग्जामी सेवन ईयर आप सभी के राइट ट्राइंगल ए बना सकता हूं पहले फिर में देखते क्या बोल रहे ठीक है एक राइट ट्राइंगल है एबीसी तो ये मान लो मैंने एबीसी बना दिया बी हो गया सी हो गया ठीक है सी हो गया राइट एंगल ट्राइंगल है अ सर्कल इज ड्रॉन विद ए बी एस डायमीटर अच्छा 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 एक काम करो उसको ए बी को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया जा रहा है ठीक है ए बी को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल को ड्रॉ किया जाता है ठीक है तो सही से लिख लो से तो ये ए है ये बी है और ये सी है ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को ये इज ड्रॉन विथ ए बी एस डायमी इंटरसेक्टिंग द हाइपोटेनस ए सी एट पी पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ठीक है प्रूव दैट टेंजेंट टू सर्कल एट पी पी पे जो टेंजेंट है बायसेकट बी सी अच्छा बी सी को बायसेकट कर रहे हैं मतलब हमें इसको इसके बराबर दिखाना है इसको हमने आर बोल दिया तो हमें प्रूफ करना है वी हैव टू प्रूव दैट टू प्रूव क्या कि बी आर इज इक्वल टू आर सी ये हमें प्रूफ करना है ये प्रूफ करना है। प्रूफ दैट टेंजेंट टू सर्कल पी बायसेक बी सी बी सी को हाँ ये प्रूफ करना वेरी टेंजेंट क्वेश्चन कैसे करते हैं करने से पहले एक काम करते हैं इसको ज्वाइन कर देते हैं ठीक है सुनना ध्यान से मुश्किल है भाई मुश्किल है मुश्किल है भाई मुश्किल है चलो करते कोई नहीं इसको नाम दो एंगल वन का ठीक है इसको नाम दो एंगल टू का ठीक है इसको एंगल थ्री इसको एंगल फोर और इसको एंगल फाइव का नाम दो ठीक है ध्यान सुनो मैंने पांच एंगल का नाम दिए हैं इसमें अब 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 कैसे करें <laughs> कैसे करेंगे ओह शुरुआत कैसे करें ठीक है अच्छा सुनो मिल गया शुरुआत गया अगर मैं इन ट्रायंगल एबीसी की बात करूं बोलो इन ट्रायंगल एबीसी की बात करूं भाई एंगल भी तो नब्बे है। इसका मतलब एंगल वन प्लस में एंगल फाइव कितना आ गया हमारे पास नाइन डिग्री आएगा इक्वेशन फर्स्ट ठीक है एंगल वन फाइव नब्बे डिग्री के बराबर आएगा ठीक है मैंने आप लोगों को ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अभी पीछे बताया था देखो बीपी कॉर्ड है और कॉर्ड और टेंजेंट मिलके एंगल थ्री बना रहे हैं ठीक है और यही कॉर्ड सर्कल टच करते हुए एक ट्राइंगल बना रहा है ए बी पी और सामने जो एंगल है वो बन है तो वन जो है थ्री के बराबर है एंगल वन जो है वो एंगल थ्री के बराबर है नब्बे डिग्री सॉरी बराबर है एंगल वन जो है वो एंगल थ्री के बराबर क्या है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अब ऐसा तो है नहीं कि मैं क्वेश्चन रट के आया हूं फटाफट से मैंने बोला हाँ भाई ऐसे से करते हैं मेरे को भी यही समझना पड़ता है ठीक है कैसे करना है ठीक है अब वन थ्री के बराबर मतलब वन प्लस फाइव था दोस्तों एंगल थ्री प्लस में एंगल फाइव भी नाइन्टी डिग्री का हो गया ये मैंने इक्वेशन टू मैंने मान लिया ठीक है इस तरीके से अब और सोचो कैसे कैसे हो सकता है ठीक है ओके होगा एंगल टू भी थ्री के बराबर है हाँ एंगल टू थ्री के बराबर है आ, कुछ निकल रहा है क्या हाँ हाँ एक और क्वेश्चन निकल रुको सुनो एक चीज और निकला एक चीज और निकला एक चीज और निकला सुनो हमें पता है कि ए बी इधर सेमी सर्कल है और ये वाला एंगल नाइन डिग्री मैंने कहा था ना एंगल सेमी सर्कल नाइन डिग्री होता है इसका मतलब थ्री प्लस फोर नाइन डिग्री है एंगल थ्री प्लस में एंगल फोर जो है वो आपका नाइन डिग्री है नंबर थर्ड हो गया मतलब एंगल थ्री प्लस में एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस में एंगल फोर एंगल थ्री से थ्री ख़त्म एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल फोर आ हाँ हाँ मतलब आ गया भाई हो गया भाई हो गया हो गया हो गया, हो गया, हो गया। एंगल फाइव फोर के बराबर है फाइव फोर के बराबर इसका मतलब मैं बोलूँगा इन ट्राइंगल आर पी सी अगर हमारे पास एंगल फोर फाइव बराबर है तो फाइव के सामने क्या है आर पी आर इक्वल टू आर सी बराबर होगा पी आर जो है वो आर सी के बराबर है ठीक है और अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल बी पी आर के भाई बी एक्शन पॉइंट है बी आर के टेंजेंट है, के है। मैं बी आर, इक्वल टू आर पी के टेन्जेंट है या पी आर बोल, बोल मजा आ गया रे। ये हो गए क्वेश्चन फोर्थ ये हो गए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अब पी आर आर सी के बराबर है और पी आर बी आर के बराबर है तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ व्हाट वी गेट वी गेट दैट की क्या बी आर इज इक्वल टू आर सी और हो गया जी हैंड्स प्रूव्ड अब कोई बात नहीं समझा मुझे तो आ गया ना मैं एक बार फिर से बताता हूँ देखो है मैंने क्या कर रहा भाई नामकरण कर दिया पहले ये बी नाइन डिग्री तो वन प्लस फाइव नाइनटी पहली चीज़ आ गई वन और एंगल थ्री एंगल थ्री ना यहाँ पर लेकर कन्फ्यूज मत होना ये एंगल थ्री यहाँ पर नहीं है ये वाला एंगल थ्री है ये वाला एंगल थ्री ठीक है तो ये आपका वन और थ्री बराबर की ऑल्टरनेट सेगमेंट मैंने बताया था तो यह थ्री प्लस फाइव पहले दूसरी हमने question बना थी। अब क्या भाई हमने ये डायमीटर है और सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है नाइन डिग्री बताया मैंने आपको बताया था तो ये नाइन डिग्री एंगल हो गया हमारे पास एंगल ऑन सेमी सर्कल इज नाइन डिग्री तो थ्री प्लस फोर भी नाइन होना चाहिए भाई ये क्या स्ट्रेट लाइन है तो थ्री प्लस फोर नाइनटी डिग्री थ्री फाइव नाइनटी थ्री प्लस फोर नाइनटी तो थ्री और थ्री से खत्म फाइव और फोर बराबर आ गए तो फोर तो और फाइव बराबर तो पी आर आर सी के बराबर और बी आर पी आर के बराबर ऑलरेडी दे रखा था तो वहां से हमारा निकल गया इजी नेक्स्ट चलते हैं ट्वेंटी तो क्या बोल रहा है इन द गिवन गि फिगर टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर आर ड्रॉन टू अल आर पी क्यू है अकॉर्ड आर एस इज ड्रॉन पैरल टू टेंजेंट पी क्यू ठीक है उसे पैरल ओके फाइंड आर क्यू एस आर क्यू एस एंगल निकाला मैं अब सुनना है कैसे होगा वेरी टेंजर क्वेश्चन अब यहाँ पर ना ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बहुत काम आने वाला है पहली बात तो ये अगर मुझे ये निकालना है तो ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए इस पर काम करेंगे ठीक है और ये पैरल ध्यान रखना हम बोलेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी आर बराबर है पी क्यू क्यू थ्योरम टेन पॉइंट बाई टेंजेंट है पी पॉइंट से बराबर है इसका मतलब क्या हुआ इसके सामने एंगल ये एक्स हो गया और इसके सामने क्या हो गया ये एक्स हो गया इट मीन्स एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी इक्वल टू एक सौ अस्सी होता है हमने बोला एक्स प्लस में एक्स प्लस में थर्टी इक्वल टू एक सौ अस्सी हो गया टू एक्स इक्वल टू वन फिफ्टी हो गया और एक्स आ गया सेवेंटी फाइव डिग्री कितना आ गया सेवेंटी फाइव डिग्री आ गया ठीक है ये सेवेंटी फाइव अब अगर SR पैनल है If SR is parallel to QP, तो इसका वाला जेड बन रहा है देखो एस आर क्यू पी जेड बन रहा है हम बोलेंगे एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्या एक्स क्यू हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल देंगे इसका मतलब ये वाला जो एंगल है हमारे पास कितना आएगा सेवनटी फाइव डिग्री आएगा तो एंगल आर भी हमारे पास सेवेंटी फाइव डिग्री निकल के आ गया अब 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 एंगल आर सेवनटी फाइव आ गया सब मिटा तो मैं ये सबकी नीड नहीं है मुझे एंगल आर सेवेंटी फाइव ये वाला एंगल जो है वो सेवन डिग्री का आ चुका है और ये का है अब ये एंगल कैसे निकाले भला अब ये निकालेंगे सेगमेंट क्यों कॉर्ड कॉर्ड है कौर्ड और के है तो और टेंजेंट तो कॉर्ड और टेंजेंट मिलकर सेवेंटी फाइव बना रहा है वही कॉर्ड सर्कल को टच करते हुए एक ट्राइंगल बना रहा है क्यू एस आर और इसके ठीक सामने एंगल है एस तो बराबर होंगे हम बोलेंगे एंगल आर क्यू पी इक्वल टू एंगल एस क्यू ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोल बात समझ में नहीं आई ठीक है तो ये आ गया एंगल आर क्यू पी इक्वल टू एंगल एस था ना तो एंगल एस जो है एंगल एस जो है वो सेवेंटी फाइव डिग्री निकल के आ जाएगा कितना के सेवेंटी फाइव सारा काम हो चुका है अब ट्राइंगल के अंदर ये सेवेंटी फाइव ये 75 क्यू मैं बोलूँगा इन ट्राइंगल एस क्यू आर ठीक है एंगल एस प्लस में एंगल आर प्लस में एंगल क्यू एक सौ अस्सी हो जाएगा एस और आर को जोड़ोगे सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव वन फिफ्टी वन फिफ्टी प्लस में एंगल क्यू इक्वल टू वन एटी हो जाएगा तो एंगल क्यू जो है वो वन एटी माइनस से वन फिफ्टी आ गया और एंगल क्यू आ गया थर्टी डिग्री कितना आ जाएगा थर्टी डिग्री निकल के आ जाएगा चेक कर लूँ आंसर एंगल क्यू थर्टी बिल्कुल सही आंसर है नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन और थर्टी ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर काफ़ी बड़े क्वेश्चन है ट्वेंटी नाइन और थर्टी दोनों अपने आप में काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आपके एंसर टिक एग्जाम्पल के सेकेंड लास्ट है बस दो क्वेश्चन और फिर हमारा जो है ये भी खत्म इन गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस फाइव सेंटीमीटर टी इज अ पॉइंट ऑफ सच दैट ओ टी थर्टीन दे रखा है ओ टी थर्टीन ये थर्टीन दे रखा ठीक है ओके इफ ए बी इज टेंजेंट फाइंड लेंथ ए बी हमें ए बी की लंबाई निकालने कैसे निकालेंगे आइए करने की कोशिश करते हैं डेंजर सा लग रहा है रेडियस फाइव ये फाइव दे रखा ठीक है कैसे करेंगे अब सुनो 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 अगर ओ पी फाइव है इफ ओ इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर और ओ टी इक्वल टू थर्टीन सेंटीमीटर है ठीक है तो मैं आपसे पूछू क्या पीटी निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते ये क्या नाइन डिग्री एंगल है तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ओ पी टी ठीक है तो ओटी का स्क्वायर इक्वल टू आ गया ओपी तो तो का स्क्वायर प्लस में पीटी का स्क्वायर लगाएंगे तो थर्टीन का स्क्वायर आ गया फाइव का स्क्वायर प्लस में पीटी का स्क्वायर तो सिक्सटी नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू पीटी का स्क्वायर 144 आ गया तो पीटी का स्क्वायर आ गया 144 और पीटी जो है वो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया पीटी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया ठीक है अब ध्यान सुनेंगे ये पूरा 12 आ गया ओके 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 हरी हरी ठीक है ये रेडियस ये टेंज है तो ये नाइन डिग्री एंगल बनेगा ठीक है तो ये पूरा बारह है पीटी बारह अच्छा काम करो एक काम करो इसको अगर मैं एक्स मान लू सुनो ध्यान से पी लेट पी एक्वल टू एक्स तो ये भी ए भी एक्स होगा क्यू इक्वल टू AE टेन पॉइंट टू थ्योरम टेन पॉइंट टू ये एक्स है ये पूरा बारह था ये एक्स है तो ये कितना आ गया बारह माइनस में एक्स ठीक है अच्छा ओ टी कितना था थर्टीन और ओ कितना था फाइव 13 में से फाइव कितना आता है एट तो आपको ए टी एट आ गया सही है बोलो 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 हम क्या लिखेंगे कि e equal कितना आ गया 13 minus 5 equal to 8 तो ये राइट बन गया इस तरीके से तो हम बोलेंगे एन ट्राइंगल हम काम करेंगे ठीक है तो ए टी का स्क्वायर इक्वल टू देगा ए का स्क्वायर और प्लस में ई टी का स्क्वायर निकल के आ देगा ठीक है करें ए टी तो ट्वेल्व माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए ई कितना है एक्स का स्क्वायर प्लस ई टी कितना है सिक्सटी फोर तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर ठीक है माइनस पे टू ए बी इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटी फोर इससे ख़त्म हो गया तो वन फोर्टी फोर माइनस पे सिक्सटी फोर इक्वल टू ट्वेंटी फोर एक्स आ गया जीरो चौदह में से आ गया आठ एटी अपॉन पे ट्वेंटी फोर इक्वल टू एक्स आ गया ठीक है तो फोर सिक्सा टू जो ट्वेंटी ठीक है और एक्स आ गया टू टेन जो टू थ्री जो एक्स आ गया टेन पॉइंट थ्री सेंटीमीटर तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा ना सेम सेम ही दोनों तो इसमें क्राइटेरिया सेम है तो हमें निकालना था ए बी निकाला था ए बी आ गया तो एक्स प्लस एक्स तो टेन पॉइंट थ्री टेन थ्री तो हो गया ट्वेंटी थ्री सेंटीमीटर तो ये हमारे पास ट्वेंटी ए थ्री सेंटीमीटर आंसर काफी इंपॉर्टेंट और काफी बढ़िया और काफी सटीक और आसान सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया गया लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 30 ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर बहुत ही टेंजर दिख रहे हैं द टेंजेंट एट पॉइंट सी ऑफ सर्कल इतना पी सी दे रखा एक सौ दस पी ठीक है फाइंड सी बी ये एंगल निकालना है आओ धीरे धीरे चलने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे काम चलेगा इसमें ठीक है हाँ रास्ता मिल गया रास्ता बहुत जरूरी देखो OC रेडियस है तो इसका मतलब क्या हुआ यहां और ये यह यह तो नब्बे डिग्री हो गया एंगल ओ सी पी तो नब्बे डिग्री होगा क्यों हमें पता भाई ओ सी ऑन परपेंडिकी एंगल ओ सी पी इक्वल टू नाइनटी डिग्री और यहाँ लिखोगे थ्योरम टेन पॉइंट वन थ्योरम टेन पॉइंट वन ठीक है इतना क्लियर हो गया चलो ये पूरा तो एक सौ अस्सी था इसका ये ये निकल सकता है ओ सी ए तो एंगल ओ सी ए भाई पूरा एक सौ दस था तो 110 में से 90 माइनस करेंगे तो एंगल ओ सी ए जो है वो 20 डिग्री निकल के आ गया कितना आ गया 20 तो ये वाला एंगल 20 डिग्री का हो गया जो काम का नहीं मिटा चलूंगा ये निकल गया 20 डिग्री ठीक है क्लर यहां तक आराम से चलने को दिक्कत क्या था थे, ठीक है ओके ये बीस आ गया अच्छा अगर ये मैं बोलूँ इन ट्राइंगल ओ सी ए सी इक्वल टू ओ ए क्या है रेडियस है दोनों रेडिया ही हैं तो अगर ये 20 है तो ये वाला एंगल भी 20 होगा ना देन देन हम बोलेंगे दिस हैपन देन देन एंगल ओ सी एक्वल टू एंगल ओ ए सी इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री तो ये हमारे पास जो है बीस सॉरी ये भी एंगल बीस डिग्री का ही आ जाएगा ठीक है अब अगर ये भी बीस है ये भी बीस है तो क्या हम लोग ये वाला एंगल बता सकते हैं क्या बोलो क्या हम ये वाला एंगल बता सकते हैं क्या बिल्कुल बता सकते हैं हमें पता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल मैंने क्या बोला सम ऑफ ये भी क्लास नाइन थ्योरम है इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल ठीक है इसका मतलब क्या हुआ ये वाला एंगल बी ओ सी एंगल बी ओ सी कितना आ गया ट्वेंटी प्लस फोर्टी डिग्री फोर्टी डिग्री निकल के आ गया बी ओ सी तो यहाँ पहुँच गया भाई अब इसकी जरूरत तो नहीं है ये सब हटाओ इतना पचल गया हमें कि ये फोर्टी डिग्री है ठीक है अब मैं बात करूँ इन ट्राइंगल बी सी यू में है ना करीब आ गया ना ये निकालना था मुझे कैसे करूँगा तो ओ सी रेडिया से ओ सी इज इक्वल टू ओ बी दोनों क्या है रेडिया ही हैं सेम कॉन्सेप्ट है कोई दिक्कत नहीं है तो अगर ये इसके बराबर है इसका मतलब ये जो एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए मतलब एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी इक्वल टू कितना मान लो एक्स मान लू क्या एक्स डिग्री मैंने मान लिया तो ये एक्स हो गया ये भी एक्स हो गया तो ये फोर्टी है फिर मैं बोलूँगा अगर इन ट्रायंगल एंगल बी ओ सी एक्स प्लस एक्स प्लस में फोर्टी इक्वल टू एक्स सौ हो गया ठीक है तो टू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया वन फोर्टी हो गया और एक्स कितना आ गया सेवन डिग्री निकल के आ गया इसका मतलब एंगल कौन सा सी बी ए एंगल सी बी ए जो है कितना आ गया सेवेंटी डिग्री आ गया बिल्कुल सही जवाब है तो इस तरीके से ना आपने घबराना नहीं है कितना ही बड़ा क्वेश्चन होगा जो हमने सीखा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलोगे तो आप देखना सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो होते चले जाएंगे इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन रह गए होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है मेरा व्हाट्सअप नंबर को जाकर आप मुझे क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो या फिर जब लाइव क्लास होगी उसमें मैं वो सारे क्वेश्चन को ले लूंगा तो आज की वीडियो में इतना ही सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो इसकी पी भी आपको नीचे ड्राइव के लिए क्योंकि सारे सुपर थर्टी पी डी आपको वहीं पर मटेरियल पे उसी मटेरियल पे मिलने वाली गूगल ड्राइव की लिंक होगी जाके सारे पी को डाउनलोड कर लें सारे सुपरसार्टी वहाँ पर अवेलेबल है तो उसकी प्रैक्टिस करो फीडबैक जरूर देना कि आपको वीडियो कैसे लगे अच्छा लगा बुरा लगा सही समझा पाया नहीं समझा ऐसा भी है आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देना तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हरे कृष्णा